सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग, क्या हाल चाल? मुझे पता है कि आप सबकी रिकवरी हो रही है, अच्छी डाइट आप ले रहे हैं, डॉक्टर की बात सुन रहे हैं, इतना ही काफी है। अगर आप डॉक्टर की बात सुनते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं, तो फिर तो आपकी रिकवरी होनी है। एक्सरसाइज करते रहिएगा, डॉक्टर की बात सुनते रहिएगा। मैं बार बार स्टार्टिंग इसी से करता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप में, पहले मैं उनको लेता हूँ क्योंकि वो बहुत कह रहे हैं कि उनका मैसेज नहीं देखा गया, मैंने कई बार नहीं देखा। क्या होता है ना यार, लाइव के टाइम पे हम लाइव के मैसेज पढ़ पाते हैं या जो मेरे पास एक्से आते हैं वो डिस्कस कर पाते हैं, पुराने मैसेजेस नहीं देख पाते, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो गौतम भाई का मैसेज दिख रहा है मुझे, गौतम फ्रॉम झारखंड। हाय गौतम, 16 जुलाई को एक्सीडेंट हुई थी मेरी बाइक से, 18 जुलाई को ऑपरेशन हुआ, 16 को हुआ था, 18 को उनको ऑपरेशन हुआ, नॉर्मल बात है, 2 दिन बाद हुआ है। फिक्सिंग काफी अच्छी है, इसको वीडियो एक्सरे में मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको सिर्फ डिस्कस कर लेता हूं। भैया थोड़ा सजेस्ट कर सकते हो आप? देखिए आपका फिक्सिंग डॉक्टर ने अच्छा किया है, थोड़ा सा गैप बाहर की तरफ को है, बटरफ्लाई फ्रेगमेंट कहते हैं जब टुकड़ा बाहर की तरफ को टूटा रहता है, बोन बीच से कनेक्टेड है एक तरफ से लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया है। कब तक चल पाऊंगा? चलना आपका स्टार्ट होगा, आपने बोला कि जुलाई में आपका ऑपरेशन हुआ है, अगस्त सितंबर, तो अब मेरे को लगता है पार्शियल वेट बेयरिंग आपका स्टार्ट हो गया होगा या होने वाला है। अब जब डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर अलाउ करेंगे, पार्शियल वेट बेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके 1 महीने के बाद फुल वेट बेयरिंग आपको करना होता है। इस बीच अपनी एक्सरसाइज को जरूर करते रहिएगा, जिसमें नी बेंडिंग एक्सरसाइज, SLR और बेसिक एक्सरसाइज जिसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आती है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। प्लीज डरना छोड़िए, टेंशन लेना छोड़िए, इसी से आपको फायदा होगा, ये चीज आपको समझनी चाहिए। एक मैसेज मेरे पास आया है कि इंडियन टॉयलेट यूज करते हुए जब वो टॉयलेट यूज करते हैं तो आपके उनके घुटने से साउंड आता है, मेनिस्कस टियर हो जाता है क्या? देखिए कटकट की आवाज, जो लोग कहते हैं ना कि हमको कटकट की आवाज आ रही है, पॉपिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड आ रही है, प्लीज समझिए ये पॉपिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। अगर कोई पेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये होती है, आपके कैल्शियम की कमी से होगी, आपकी एक्सरसाइज की कमी से होगी, आपके मूवमेंट की कमी से होगी, ये किसी कारण भी हो सकती है। बहुत दिनों तक हमारा पैर सीधा था तो हमको कटकट की साउंड हो सकती है, इसे प्लीज समझिए, इसमें डरने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर और किसी का मैसेज था तो भाई मुझे एक बार हाय लिख के भेजो। अच्छा ओके ठीक है। हाँ एक मेरे पास मैसेज आया था, अब मैं इनका मैसेज आपको पढ़ के ही क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, कई लोग कहते हैं कि वैसा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वो पाकिस्तान से हैं, रोज आपका लाइव देखती हैं, मेरा एंकल का ऑपरेशन हुआ है, प्लेट डली है, 6 वीक चल रहा है, आप लड़कियों की बहुत कम मोटिवेशन देते हैं। सुन पढ़ लीजिएगा, आपको पता है कि सबसे ज्यादा लड़कियां डिप्रेशन में जाती हैं क्या, क्योंकि घर के काम भी हो जाते हैं, सब कुछ होते हैं। आप लड़कियों, देखो मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, मुझे भी है कि शायद मैं नहीं चल पाऊंगी। देखो सब लोग चल पाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन छोड़ो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता भाई। जो लोग मुझसे कहते हैं कि एक्सरे दिखाओ मैं उनको दिखाता हूँ, जो लोग मना करते हैं मैं नहीं दिखाता, इसको समझना चाहिए आपको। मैं कभी भी पर्सनली किसी को देख के कि यार ये इनको अच्छी जरूरत है या इनको नहीं, ऐसा नहीं। सारे एक्सरे जो आते हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। हाँ दिखाने की जो हम एक्सरे वीडियोस की बात करते हैं, कई लोग मना करते हैं कि हमें वीडियो नहीं दिखाना, इसलिए मैं नहीं दिखाता भाई, और कोई रीजन नहीं है। तो डिप्रेशन में जाना छोड़िए, डिप्रेशन में मत जाइए। आपको जो फ्रैक्चर हुआ है उसके बारे में बात करें तो आपका जो ये फ्रैक्चर है ये आपका मीडियम मेलस का फ्रैक्चर है, जिसको हम बायमोलर फ्रैक्चर बोलते हैं, बहुत बेसिक फ्रैक्चर है। ये फ्रैक्चर बहुत सारे बॉयज के भी हुए हैं, बहुत सारे गर्ल्स के भी हुए हैं जो यहाँ पे लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से मैंने कई बार डिस्कस भी किया है आपके सामने, क्या कई बार बताया भी होगा कि बहुत सारे लोग, निशा जी, मोनिका जी आती हैं, उनको भी ये फ्रैक्चर हुआ था, सेम फ्रैक्चर हुआ था, क्योंकि ये ना नॉर्मल पैर मुड़ने से हो जाता है, तो ये बेसिक फ्रैक्चर है। ये फ्रैक्चर उनको हुआ था, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, टाइम लगता है आपको, 2 स्क्रूज, 2 प्लेट लगाई जाती है साइड से, फिक्सिंग कर दी जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, विद इन 6 मंथ आप बहुत अच्छे हो जाते हो उसमें। तो प्लीज डरना छोड़िए, नेगेटिविटी छोड़िए अपने मन से, नेगेटिविटी निकालिए, ये बहुत जरूरी है कि आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेरे पास एक मैसेज था गौतम जी का, तो गौतम जी मैंने आपको बता दिया आपका मिड फ्रैक्चर है, जो कि मैंने आपको शायद आपका एक्सरे दिखाया, मैंने डिस्कस दिखाई देता हूँ आपका। ये गौतम भाई का एक्सरे है जिसमें आपको दिख रहा होगा मिड साइड में फ्रैक्चर है और यहाँ गैप नजर आ रहा है, तो ये गैप जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का सा गैप है, भर जाएगा। हट जोड़ प्लान ट्राई करना और पॉजिटिव रहना। 1-1.5 महीना आपको है, पार्शियल वेट बेयरिंग आपका स्टार्ट हुआ होगा, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था आपका, आपने जैसा बताया है,
तो डरिए नहीं, ये जो गैप है ये भर जाएगा अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, हड्डजोड़ ट्राई कर सकते हैं और एक्सरसाइज करते रहेंगे, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हल्का फुल्का गैप है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसको समझना चाहिए आपको, अच्छी डाइट लेना चाहिए। मिड फ्रैक्चर बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, इसको प्लीज समझिए और अपने आपको ठीक रहने की। अभी मेरे पास यही मैसेज थे और मुझे मैसेज नहीं दिख रहे थे, अगर किसी का और भी ऐसा मैसेज था जिसको मैंने कहा था कि मैं डिस्कस करूंगा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका मैसेज भी रीड कर लूंगा भाई, ठीक है। अगर किसी को मैंने ऐसा कहा था और मैं नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम रिप्लाई करते हैं फिर रह जाता है उनका डिस्कस करना, फिर ये कहते हैं ओके। ये फिर एक मैसेज ये भी था, हमारे भाई हैं जिनका पटेला फ्रैक्चर हुआ है, मिड पटेला में इनको सर्कल में रॉड लगाई गई, वायर लगाया गया है और आपको दिख रहा होगा ये फिक्सिंग। देखिए पटेला की फिक्सिंग में आपको एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपका घुटने का बेंडिंग, आप जिसको कम कर रहे हो, करना चाहिए आपको। आपको ये समझना चाहिए कि ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, नीचे के पार्ट को और ये गैप है बीच में, और ये गैप है तो फिर हमें दिक्कत क्या है, हमें मोड़ना चाहिए पैर। आप एक्सरसाइज करिए, आप अगर एक्सरसाइज रेगुलर रखेंगे ठीक हो जाएंगे, 6 महीने के अंदर ही जो वायर लगा हुआ है रिमूव हो जाता है। जो फिक्सिंग है डॉक्टर ने काफी अच्छी की है, बेंडिंग एक्सरसाइज को थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर आपको पूरा हो जाना चाहिए। अभी आपको 1 ही महीना हुआ है, वैसे 6 महीने के अंदर इम्प्लांट रिमूव भी हो जाता है, इसको भी समझिए। और थोड़ा अच्छी एक्सरसाइज करते रहिए फिरोज, कोई डरने की कोई टेंशन की बात नहीं, आप भी झारखंड से, तो घबराइए मत। पटेला फ्रैक्चर मेरे को भी हुआ था, बेंडिंग एक्सरसाइज में नो डाउट दर्द बहुत होता है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे आपको फायदा जरूर होगा, इसको समझिए। और प्लीज ऐसा कहना छोड़िए कि मैं किसी का मैसेज नहीं देखता हूँ, मैं सबके मैसेज देखता हूँ भाई। फर्जी भाई सर जी मैं सर आज मेरा जरूर बताइएगा, मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। फर्जी आपका कौन सा एक्सरसाइज था मुझे वो क्लियर करिए, मैं आपको जरूर बता दूंगा भाई, मैं किसी का ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे एक्सरसाइज देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं। हड्डी जोड़ने के हड्डी जोड़ने में भीगे हुए चने खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, भीगे हुए चने खाएंगे, बहुत बढ़िया प्रोटीन है, बिल्कुल लीजिए, फायदेमंद है लीलाधर जी आपके लिए। दौड़ना भागना डॉक्टर की मदद से ही करना चाहिए, उछल जो आप कह रहे हैं सर आपको कूदने में कुछ प्रॉब्लम होती है लीलाधर जी, अगर मैंने गलत मैसेज नहीं पढ़ा तो भाई, ये कूदना जो है ना अपनी जगह पे, जल्दबाजी मत करो इसकी करने की, कूद लोगे यार टाइम लगेगा ना उसमें, बोन को ठीक तो होने दो फिर कूदना वूदना करना, अभी कूदना वूदना नहीं करना चाहिए जल्दबाजी में, प्लीज समझिए। 6 महीना 8 महीना कम से कम रुकिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग तक लाइए फिर आप कूदिए कूदिए जो आपको करना, अभी नहीं। भैया एक्सरसाइज कर सकता हूँ लिगामेंट का, बिल्कुल करिए, एक्सरसाइज से तो फायदा होगा ही ना, आइसोमेट्री एक्सरसाइज बेसिकली करिए, घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करने वाली जो एक्सरसाइज होती है, घुटने के नीचे पिलो रखे प्रेस करिए, 10 सेकंड तक होल्ड करिए फिर छोड़िए, 10 सेकंड होल्ड करिए फिर छोड़िए, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो करिएगा। राम राम भाई जी, राम राम भोरा सिंह जी, कैसे हैं आप? आलम भाई बोल रहे हैं भाई 90 डिग्री बैंड होने लगी है, अब तो अप डाउन कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया, 90 डिग्री बैंड हो रही है, बिल्कुल अप डाउन करिए, जितना करेंगे उतना फायदेमंद है। लेकिन देखिए 90 डिग्री बेंडिंग से ना एकदम अपडाउन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम अपडाउन करते हैं तो पूरा पैर पे ही हमारा प्रेशर जाता है, तो वो नहीं जा सकता, तो जितना बेंडिंग आप कर पा रहे हैं उतना करिए, लेकिन एज ए एक्सरसाइज आप कर सकते हो उसको, नो डाउट, बस बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत करना अगर आपका 90 डिग्री बेंड हो रहा है तो, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा आप नहीं झुक पाओगे, लेकिन बेसिक एक्सरसाइज स्क्वाट्स वगैरह वो आप स्टार्ट कर सकते हो, टाइम कितना हो वो भी ध्यान रखिएगा। वरुण भाई आज डॉक्टर को दिखाने गया था, बिना सपोर्ट के चल गया, डॉक्टर ने सुना दी, बोल रहे हैं स्टिक से चलो, 5 मंथ हुए हैं आपको, डॉक्टर ने सुना दिया, आप 5 मंथ में विदाउट से चलने लगे। देखिए वरुण जी आप चल रहे थे, आप अच्छा चल पा रहे थे, कल आपके साथ क्वेश्चन भी था कि मैं जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कैसे चल रहे थे, आप विद स्टिक चल रहे थे, स्टिक को साथ में तो रखना ही चाहिए ना, स्टिक को ऐसा नहीं कि छोड़ देना है बिल्कुल, आप स्टिक यूज नहीं भी करते हो फिर भी स्टिक को साथ में रखना है। और देखो आपको अगर चला जा रहा है तो मैं आपको अभी भी यही बोलूंगा, अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आप चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको चला नहीं जा रहा, दर्द होता है ना, तब आपको ये चीज नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। रोनी जी बोल रहे हैं नितिन भाई मेरा एज 18 है, 18 ईयर्स के हैं हमारे रोनी जी, फीमर मिड फ्रैक्चर हुआ था, 7 मंथ हो गए हैं, रॉड कब निकाल सकता हूँ? 1.5 साल के बाद निकालिए, अगर आपको टाइटेनियम की रॉड लगी है 1.5 साल के बाद आप निकाल सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करिएगा निकालने में रोनी जी, अगर आप ठीक है बाकी एक्सरसाइज करते रहे सारे काम करते रहो, रिमूवल करना 1.5 साल के बाद ही करना चाहिए, टाइटेनियम की नहीं है SS की रॉड है, कोई दिक्कत कर रहा है अगर बोन टाइटेनियम के साथ भी तब भी आप रिमूव करा सकते हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या खुल गया है, 1 सेकंड, एक मैसेज मेरे पास आया है अभी, मैं इसको इनका ये बोल रहे हैं, लाइव से जुड़ा मेरा भी बता दो भाई, लाइव से जुड़ा, मैं सारे एक्सरसाइज देखूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, अब मैं मैसेज पे आ गया हूँ तो मुझे यहाँ मैसेज रीड करने दीजिए, फिर मैं आपकी एक्सरसाइज जरूर पढ़ूंगा भाई। चल रहा है ना लाइव, अटका तो नहीं है ना, प्लीज बता दीजिएगा, अगर ये लाइव कभी अटक जाए तो मुझे क्लियर कर दीजिएगा। अमित जी भाई स्क्रू बाहर आया है, अगर स्क्रू बाहर आया रिमूवल करवाओ तुरंत, जरूरी है उसको रिमूव कराना। आलम जी, वरुण जी, वरुण जी, हमीर जी, हामिर जी बोल रहे हैं, जय माता दी, हामिर जी कैसे हैं आप? भाई स्क्रू बाहर आया है, अगर आप किसी का स्क्रू बाहर की तरफ को आ रहा है तुरंत उसे रिमूव कराना है,
वो पंजाबी न्यू सॉन्ग भाई बोल रहे हैं भाई ऑपरेशन को 3 महीने हो गए हैं लेकिन अभी भी पैर में सुनपन है। देखिए सुनपन सूजन होना हल्का फुल्का दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है, 3 महीने में आपका सुनपन खत्म थोड़ा हो जाएगा, वो धीरे धीरे लगे, हो सकता है उसमें 1 साल लगे, हो सकता है 2 साल भी लगे, कई बार हमारे जो कई जगह में हमारे ना सेंसेशन नहीं आ रही होती तो वो काफी टाइम लगाती है आने में लेकिन आ जाती है। नसें डैमेज होना, मसल्स डैमेज होना जिस कारण ऐसा होता है, तो डरिए नहीं, एक्सरसाइज जरूर करिए, फायदा जरूर होगा आपको। अनिरुद्ध जी हाय, हेलो भाई, हाय अनिरुद्ध कैसे हैं आप। फीमर मिड फ्रैक्चर है, उठने बैठने में नीचे की स्क्रू चुभता है भाई, चुभता है, बाहर की तरफ आने लगता है। देखिए रोनी जी आपने बोला फीमर फ्रैक्चर है जब आप उठने बैठने लगते हैं स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, अगर किसी का स्क्रू ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है आपको फील भी हो रहा है दर्द भी करता है आप डॉक्टर से बात करके उसे रिमूव करवा सकते हैं, उसका कोई काम नहीं है अगर दिक्कत दे रहा है तो, क्योंकि अगर बार बार ऐसे करोगे तो उससे इन्फेक्शन हो जाए, तो इस चीज का उससे बचने के लिए डॉक्टर से बात करके रिमूव करा दीजिए। दिन भाई मैं कब तक सेल्फ चल पाऊंगा, कब तक मुझे सेल्फ चलना चाहिए, 95 डेज हो गए हैं आपने बोला, 95 डेज आपको हो गए हैं, अभी आपको स्टिक के साथ आप चल पा रहे हो, अगर तो स्टिक के साथ रेगुलर स्टिक के साथ चलते रहिए, फिर उसके बाद आपको स्टिक छोड़नी है, कुछ टाइम तक चलने के बाद फिर आपको स्टिक छोड़नी है, स्टिक को साथ में फिर भी रखना है, ऐसा नहीं करना कि स्टिक छोड़ देनी पूरी तरह से, लेके चलना है, यूज बिशक ना करें। पैर में स्ट्रेंथ कब तक आती है, देखो डॉक्टर बोलते हैं 2-3 महीने के अंदर आप छोड़ के चल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, कई बार कई किसी ने उनको मना कर दिया 5 महीने के बाद, वो सब कुछ आपकी मसल्स पे आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, कितनी मसल्स आपकी स्ट्रांग हो गई है, मसल्स अगर ज्यादा स्ट्रांग है ना तो आप विदाउट सपोर्ट आराम से चल लोगे विद द हेल्प ऑफ रॉड, अगर आपका बोन नहीं भी जुड़ा है मसल्स ठीक हो गई तो सुनील जी उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, आप अगर चल रहे हैं जितना आप चल रहे हैं जितना आपके पैर में स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे आप। सुनील जी नितिन भाई कैसे हो आप, मैं स्टिक से आया है आज, जरा भी नहीं चलना मेरे को स्टिक्स में, कितना रो लिया हूँ नितिन भाई, आई एम वेरी सैड। आपने बोला कि आपका स्टिक आ गया है, आप जरा भी नहीं चल पा रहे हैं उसके साथ, सलमान जी कोई बात नहीं, पैर की स्ट्रेंथ बढ़ाओ ना, अभी देखो एक दिन में आपने कोशिश करा नहीं कर पाए इसका मतलब ये होना कि अब हार मान जानी है, अब आपको एक्सरसाइज करके अपने पैर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप पैर लेटे लेटे साइकिलिंग कर सकते हैं, आप अपने पैर की बेंडिंग कर सकते हैं, आप पैर को उठाने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, 10-15 सेकंड वेट करिए, पैर में दर्द नहीं होना चाहिए उठाने से, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी जल्दी स्ट्रेंथ आ जाएगा, उतनी जल्दी आप स्टिक छोड़ पाओगे, रोने से क्या होगा भाई, रोने से ठीक थोड़ा हो जाएंगे, स्क्रू निकालने के बाद कितने दिन वेट नहीं डालना होता, अगर खाली स्क्रू रिमूवल होता है उसमें आप नेक्स्ट डे ही फुल वेट डाल सकते हो, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने स्क्रू रिमूव करा उसी दिन सबसे पहले फुल वेट डाला था मैंने, तो स्क्रू निकालने के बाद फुल वेट डालना ही होता है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती उसमें नैनोवेशन में, फिर भी अगर रुकना चाहो स्टिचेस रिमूव तक रुक सकते हो आप, अगर आपको दर्द करता है तो। भाई हमारे अमित जी, हाँ अमित जी जय माता दी भाई, जय माता दी। प्रवीण कुमार जी कैसे हैं, प्रवीण कुमार जी ब्लॉगर बघेल जी क्या हाल है आपके। नितिन भाई जरा भी नहीं आ रहा चलना स्टिक से, वॉकर से फुल वेट देके चल पा रहा हूँ, तो वॉकर से ही चलो ना, देखो मेरी बात समझते क्यों नहीं है, अगर आप चल पा रहे हैं तो चलिए, जैसे चल पा रहे हैं वैसे चलिए, एकदम से कोई स्टिक पे नहीं आ पाता, मैंने 10 बार बोला है, कई बार मैंने बोल रखा है ये चीज, हर लाइफ में मैंने बोल रखा है एकदम से कोई स्टिक पे नहीं चल पाता, आपको वॉकर से ही आदत बनानी है, और वॉकर से जब आप चलते रहेंगे जैसे आप 4 किलोमीटर चल रहे हैं 3 किलोमीटर चल रहे हैं वॉकर से, तो 1.5 किलोमीटर बाद स्टिक लीजिए और कुछ कदम चलिए पहले, ऐसे करके स्टार्ट करना होता है, आपने स्टिक आई होगी आपने पहले दिन चलने की कोशिश करी होगी, एकदम से तो कोई भी नहीं चल पाता भाई, नहीं होता एकदम से, तो धीरे धीरे करके आप गेन कर पाओगे, अभी आप चलो अपने पैर को और स्ट्रांग करो भाई, हल्का गैप के साथ चलने से रॉड टूट जाती है क्या, 5 मंथ हुए हैं डॉक्टर बोल रहे हैं 6 से चलो नहीं तो रॉड टूट जाएगा। देखिए आपने बोला कि हल्के गैप के साथ, अगर बहुत बेसिक सा गैप है, हल्का सा गैप है, 3 जगह से बोन जुड़ गई, 1 जगह से आपको हल्का सा गैप अगर दिख रहा है, हल्का फुल्का गैप है कुछ नहीं टूटती भाई, अगर गैप ज्यादा है उस केस में और लंबा टाइम आपको हो चुका है तो उस केस में टूटने के चांसेस है, अगर आप प्रेशर ज्यादा डालते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप चलते हो ना तो वेट आपका मसल पे और आपके पैर पे जाना चाहिए, बोन पे और आपके मसल पे जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके रॉड पे इम्प्लांट पे सारा वेट जा रहा है, ऐसे केस में जब आपके इम्प्लांट पे पूरा वेट जाएगा तब वो टूट सकती है, कहने का मतलब ये है कि आपको पहले चलने की आदत बनानी है, अपने मसल्स को स्ट्रांग करना है, फिर आप स्टिक के साथ या स्टिक के विदाउट स्टिक चल सकते हो, स्टिक को एटलीस्ट साथ में रखो, अगर आपको दिक्कत दर्द कुछ नहीं कर रहा है और हल्का फुल्का गैप बचा है तो आप स्टिक के साथ साथ चल सकते हो, लेके स्टिक को विदाउट यूज करें भी, जहां लगता है दर्द हल्का सा भी वहां आप यूज कर लीजिएगा। प्रवीण कुमार जी आपको मैसेज किया है, डॉक्टर ने बोल रहा है दोबारा ऑपरेशन होगा, आपने मुझे मैसेज किया है प्रवीण जी, डॉक्टर बोल रहे हैं आपको दोबारा ऑपरेशन होगा, मैं एक बार एक्सरे देखूंगा उसके बाद आपको बता पाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई, जरूर देखेंगे लाइक्स। थैंक यू सो मच रामदास जी, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है 35 लोग हैं यहाँ पे, कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है। हेलो दिन भाई, हाय रामचंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके। रविकार जी डॉक्टर लग रहा है बहुत
डर लग रहा है बहुत कि कहीं पीसीएल टूटा ना हो। देखो पीसीएल टूटा हो तो आपके पैर में स्ट्रेंथ आ ही नहीं पाती, वो दर्द तो करता ही है। आप मेरी बात को समझिए, आपका लिगामेंट स्ट्रेच होगा तब भी दर्द करेगा आपको। जो आपको दर्द हो रहा है वो लिगामेंट स्ट्रेच का दर्द है, पैर खिंच जाता है, मसल्स खिंच जाती है तब भी दर्द करता है। एक्सरसाइज करिए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आपके लिए काफी अच्छी है। मैंने आपका एक्सरे बहुत बार देखा है, मैंने क्लियर भी किया था आपको एक्सरे में। तो देखो एक्सरे में लिगामेंट का वैसे ही पता नहीं चलता है, वो एमआरआई से पता चलता है। आपके आपका बोन फीमर साइड में हल्का सा टूटा है, वो बहुत ज्यादा है ही नहीं, तो घबराओ नहीं भाई। भाई नमस्ते, नमस्कार प्रदीप भाई। फीमर का जब आप लोग बात करते हैं तो मेरे को प्रदीप जी का और रामचंद्र जी का एक्सरे याद आते हैं। उनके कंडीशन में देखिए आप कि वो कितना लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। प्रमु योगी जी हेलो, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके, कैसे चल रहा है सब कुछ, अच्छी रिकवरी होगी होगी। राधे राधे सर, राधे राधे राजेश जी, कैसे हैं आप। वायर कितने दिन में रिमूव हो जाता है, अगर आप किसी को के वायर लगाया हुआ है पटेला में तो वो 6 महीने के अंदर रिमूव हो सकता है, अगर आपकी रिकवरी अच्छी हो जाए, अगर आपका बोन अच्छे से जुड़ जाए। रविकेश जी भाई मेरा एक्सरे दिखाया, देखिए मैंने आपका एक्सरे बहुत बार दिखाया रविकेश, मुझे याद है वो एक्सरे, हल्का सा फीमर में टूटा हुआ है। आपके लिगामेंट का पता उससे नहीं चलेगा, लिगामेंट का पता चलेगा एमआरआई से, लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो फायदा होगा। दिनेश और नागवी जी का मैसेज आया हुआ है, दिनेश नागवी जी का, गुड इवनिंग सर, 3 दिन से ड्यूटी जा रहा हूं बट वर्किंग आवर्स ज्यादा होने की वजह से दोनों टाइम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं प्लीज सजेस्ट करिए। मेरी सर्जरी हुई 103 दिन हो गए हैं टिबिया की। देखिए आपने बोला आप एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, चलना भी एक एक्सरसाइज है। अगर आपको ऑफिस में टाइम मिलता है ड्यूटी आवर्स में थोड़ा बहुत चला करें, वहां पे भी चला करें, वो भी अगर आप चलेंगे तो आपको फायदा होगा। चलना इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप चलेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा दिनेश्वर जी, तो प्लीज चलिए, आपको जरूर फायदा होगा। और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे कोई मैटर नहीं, आप एक टाइम तो एटलीस्ट एक्सरसाइज कर लो, या तो सुबह या शाम घर जाने के बाद कर लो, किसी एक टाइम पे कर लो, एक टाइम पे तो करो ही करो, आदत छोड़ना नहीं उसकी। खुर्शीद जी बोल रहे हैं सर मेरा टिबिया फ्रैक्चर हुआ है, 95 डेज हो गए हैं, मैं धूप में टांग को रखता हूं तो मुझे स्वेलिंग हो जाता है, ये जब फुल वेट साथ चलता हूं तो उस टाइम। देखिए खुर्शीद जी मैं पहले एक चीज सबको क्लियर करूं, कई सारे लोग कहते हैं ना कि आप धूप में जाइए, फ्रैक्चर होने के बाद आप फ्रैक्चर्ड एरिया को धूप में मत रखा करिए, वो अच्छा नहीं होता है। आपको क्या करना है, 10 बजे के आसपास हल्की फुल्की धूप लेनी है, आपको बैठना है, आपको अपने बॉडी में धूप लेनी है, आपको उस फ्रैक्चर वाले एरिया में धूप लेने की जरूरत नहीं, खराब भी हो जाता है कई बार, गर्मी ऐसी लेने की जरूरत नहीं होती है। कैसे लोग सोचते हैं ना इसमें धूप लगेगी तो अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पता है आपको बॉडी में धूप लेनी है, विटामिन डी तो वैसे भी मिल रहा है ना आपको, आप दवाइयां भी ले रहे हैं विटामिन डी और विटामिन डी तो नॉर्मल मिल रहा है 10 बजे के टाइम पे और 3 बजे के टाइम पे, और वो 10 से 15 मिनट बस, उससे ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती जल रहे हो, परेशानी आ रहा है, बैठे हुए हो, ये करने की जरूरत नहीं है आपको विटामिन डी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। खुशी भाई आपने बोला आपको स्वेलिंग हो जाता है पैर में, जब पैर को लटकाते हैं ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने के कारण और फ्रैक्चर अगर किसी का है तो स्वेलिंग सबको आएगा, धीरे धीरे वो स्वेलिंग दूर होगा, जैसे जैसे आपकी रिकवरी होती जाएगी स्वेलिंग दूर होती जाएगी, जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन सही होगा आपकी स्वेलिंग दूर होती जाएगी, इसे ध्यान रखिएगा। 95 डेज हुए हैं अभी तो इनिशियल टाइम पे ही आप हो, लेकिन धूप में ऐसे फ्रैक्चर वाले एरिया को मत रखना। भाई 11 सितंबर को बुलाया है डॉक्टर ने, अहमदाबाद जाना है दिखाने, होप सब अच्छा हो, न्यू एक्सरे कराएंगे, ऑल द बेस्ट अनिरुद्ध, अच्छा तो होना ही है उसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा तो होना ही है, कितना अच्छा होगा वो आप बताएंगे। बुरा सिंह जी बोल रहे हैं सर बुरा सिंह जी की पिंडली बहुत दर्द कर रही है, पिंडली दर्द कर रही है, पंजे की एक्सरसाइज प्लीज करिए यार, पिंडली दर्द किसी की भी करती है ना तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, आपको पंजे को ऐसे रखना है और पीछे की तरफ प्रेस करना है, खिंचाव करेगी, जब तक ये एक्सरसाइज नहीं करोगे पिंडलियां ठीक नहीं होंगी, एक्सरसाइज जरूर करिए। और ये दर्द ज्यादा कर रहा है, अगर ऐसा हो गया कि इतना दर्द कर रहा है कि आप बिल्कुल झेल नहीं पा रहे तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हो, मसल के अलावा और किसी चीज की दर्द नहीं होती पिंडली में, प्लीज समझिए, फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपके बोल रहा हूँ, आपको मसल के कारण हो रही है और फिबुला के कारण, ये दो चीजें दर्द कर सकती हैं और कोई चीज दर्द नहीं कर रही है आपको। राजेंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं भाई एक्सरसाइज की 30 मिनट के बाद पर ज्यादा दर्द हुआ है, चलेंगे तो लिम्पिंग है, क्या करूं। आपने बोला कि भाई एक्सरसाइज के 30 मिनट बाद पैर ज्यादा दर्द करता है और चलेंगे तो लिम्पिंग करता है, क्या करूं। देखिए कोई बात नहीं, आपको लिम्पिंग कर रहा है, देखो दर्द ज्यादा कर रहा है, कुछ टाइम रेस्ट करो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक्सरसाइज करिए हल्की फुल्की, उसके बाद चलिए फिर एक्सरसाइज करिए, ऐसे करना चाहिए। आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे ना तो उसके बाद क्या होगा, आपको थोड़ा पैर थक जाता है जिस कारण वो दर्द कर रहा है और लिम्पिंग आपको दर्द से ही हो रही है। मूवमेंट करना, पैर में मूवमेंट आना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है, जैसे हम 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और हमारा पैर थक जाता है, उसके बाद उसको चलना भी है, ऐसा नहीं करना ना उसको, तो आपको चलना है, आपको कुछ टाइम रेस्ट करके चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी में मत करो, और हल्का फुल्का दर्द मसल्स एक्सरसाइज से करेगा ही करेगा, जब थोड़ा मुड़ोगे तो दर्द ऑब्वियसली करने वाला है। दिनेश हमारे दिनेश नाविक जी का मैसेज मैंने रीड कर लिया था, नितिन भाई स्ट्रेंथ का वीडियो बनाओ, आप कल भेजा था बोला आपने, टाइम नहीं मिला मेरे को, बढ़िया भाई मैं आपका एक्सरे देखता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो प्रवीण, मैंने आपका एक्सरे सामने खोला हुआ है, मतलब मेरे को नाम नहीं आपका दिख रहा है, मैं आपका एक्सरे देख लूंगा भाई थोड़ी देर में। पूरा सिंह जी सुपर फाइटर है, वो तो है ही भाई, फाइटर तो है ही, दोनों पैर में फ्रैक्चर के बाद वो जितना जीत रहे हैं, जीत के दिखा रहे हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है।
सलमान जी बोल रहे थे भाई आज स्टिक से चलने की कोशिश की करा जरा भी नहीं आ रहा है चलना कितने। देखो यार अभी ना आप वॉकर के साथ चलो, आपको पर नहीं चलना आ रहा तो कुछ दिक्कत की बात थोड़ी ना है ये, एकदम से कोई नहीं चल पाता इसको समझिएगा, प्लीज समझिए, ऐसे कोई नहीं चल पाता, धीरे धीरे करके चल पाते हैं लोग। मैं थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, थोड़ा दर्द और स्वेलिंग हुई थी पता नहीं क्यों, लेकिन आज ठीक लग रहा है, हल्का फुल्का दर्द हल्की फुल्की स्वेलिंग होती है। रूमी जी आप रिकवरी कर रहे हो, आपको खुद से पता है और आप खुद से समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप रिकवरी करो और आप कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड, ऑल द बेस्ट रूमी भाई जी। भाई एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए आपको, मॉर्निंग और इवनिंग, अगर देखिए आपके पैर में मूवमेंट नहीं हो रही है, आपका पैर बेंड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा हर 3 घंटे में एक्सरसाइज करो, वरना आप 2 टाइम कम से कम या 3 टाइम कम से कम एक्सरसाइज करा करो बेसिक, अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जितना एक्सरसाइज करोगे ना उतनी मसल्स स्ट्रांग होंगे। नितिन भाई आप कल बोले थे पटेला लेक्चर में जिंदगी भर का क्या ख्याल रखना है, देखिए मैंने आपको ऐसा नहीं बोला कि जिंदगी भर का ख्याल रखना है, मैंने कहा पटेला फ्रैक्चर में क्या होता है, पटेला में अप्रॉक्सिमल टिबिया में जब दोनों साथ साथ हो जाते हैं उस केस में ना घुटना थोड़ा सा कमजोर हो जाता है हमारा कुछ टाइम के लिए, और वो धीरे धीरे आप रिकवर करते हो, स्टार्टिंग में तो मेरा पैर में SLR होता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके प्रॉब्लम होती है, जब जॉइंट के पास के फ्रैक्चर होते हैं ना कोई भी, चाहे वो पटेला हो चाहे वो हिप बोन हो चाहे वो एंकल के पास हो, इन फ्रैक्चर्स में कभी कभी आपको इन फ्यूचर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो टाइम के साथ खत्म हो जाती है, एक टाइम के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। जैसे अगर हम बेसिक फ्रैक्चर की बात करें मिड फ्रैक्चर्स में, तो वो आपको पता चलेगा कि 3 महीने 6 महीने के अंदर अच्छे हो गए, 1 साल के अंदर तो बिल्कुल पता ही नहीं है, याद ही नहीं रहता फ्रैक्चर का, लेकिन इन फ्रैक्चर्स में क्या होता है थोड़ा सा आपको कभी कभी फील हो सकता है, कभी कभी आपको ठंड में ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि ठंड में जकड़ रहा है मेरा वो एरिया, क्योंकि जॉइंट है ना, जॉइंट के पास फ्रैक्चर रिकवरी हुई है, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो धीरे धीरे रिकवरी करता रहेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि जिंदगी भर कुछ सोचना है, एक नॉर्मल सर्जन में कितने पैसे लगते हैं शिवम भाई ये डिपेंड करता है कि कहाँ आप करा रहे हो, हर जगह का अलग अलग सिस्टम है, नॉर्मल सर्जरी की मैं क्या इम्प्लांट करा रहे हो, किस टाइप का वो इम्प्लांट कर रहे हैं, इम्प्लांट के चार्ज अलग रहते हैं, सर्जरी के चार्ज अलग रहते हैं, हर डॉक्टर का अपना चार्ज अलग होता है, जितने फेमस डॉक्टर से कराओगे उतना ज्यादा चार्ज लगेगा, तो उसको कोई सजेस्ट नहीं कर सकता। अप्रोक्स अगर कोई सर्जरी किसी की अगर फ्रैक्चर हुआ है कोई डॉक्टर के पास गया प्राइवेट डॉक्टर में, तो वो आपको 50,000 से लेके 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख कितना भी ले सकते हैं, वो उनके खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है, जितने अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे उतने ज्यादा पेमेंट कर लेंगे वो, और लेना भी चाहिए भाई उनको, उनका वो लेते हैं तो भाई लोग ठीक हो रहे हैं इसलिए वो ले रहे हैं, उनको पता है आदत बन गई है। एक नॉर्मल सर्जरी में कितने पैसे ओके। रूमी गोई जी के बाद हमारे पारस जी बोल रहे हैं हेलो सर मेरा प्रॉक्सिमल टिबिया फ्रैक्चर हुआ था वो भी दर्द करता है प्लेट रिमूवल के बाद। आपने बोला सर आपका प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर हुआ था वो दर्द होती है प्लेट रिमूव होने के बाद, आपको प्लेट रिमूव हो गया उसके बाद भी आपको दर्द होती है, देखिए वो दर्द कुछ टाइम तक रहेगी, प्लेट रिमूव हो गया ना आपको अब कुछ टाइम तक आपको दर्द रह सकती है, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने पैर की मूवमेंट करके आप ठीक हो जाएंगे, वो दर्द मेनली जो दर्द होगी आपको मसल की दर्द होगी और पैर की दर्द नहीं होगी, क्योंकि आपका रिमूवल हो गया इसका मतलब है बोन जुड़ चुका था, और बोन जुड़ने के बाद दर्द होने का मतलब नहीं है, मसल की या फिर घुटने का आपने बेंडिंग एक्सरसाइज नहीं करी जिसके कारण वो दर्द हो रहा होगा, और इसके अलावा और कोई दर्द आपको मेरे को नहीं लगता कि हो रहा होगा भाई, तो क्लियर करिएगा पारस भाई। चिराग भाई हेलो भैया, जय महाकाल जय महाकाल। चिराग कैसा है मेरा भाई। यूसुफ भाई हाय भाई हेलो यूसुफ कैसे हैं आप, कैसे हो, मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। राजपूत जी बोल रहे हैं मयंक भाई 30 दिन पूरा, भैया 30 दिन हुआ है मेरे को, मैं 1-2 बार फुल वेट दे दिया था आप बोले तो, मैं अभी वेट नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा ना भाई, देर नहीं दिया था आपने बोला कि आपने वेट डाल दिया, दर्द नहीं हुआ आपको तो अच्छी बात है, लेकिन करना नहीं चाहिए। देखिए अगर आप फुल वेट बेयरिंग चल रहे हो डॉक्टर ने नहीं बोला है तो ये गलती है कि नहीं चलना है आपको, फुल वेट बेयरिंग तभी चलना है आपको डॉक्टर बोले, आपका पैर लग गया गलती से आपने प्रेशर डाल दिया लेकिन दर्द नहीं हुआ तो इसका मतलब है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो मैं जी डरिए मत, इम्प्लांट के साथ वैसे डरना थोड़ा कम हो जाता है लेकिन फिर भी डॉक्टर मना कर रहे हैं तो मत करो ना ऐसे काम। सलमान जी बोल रहे थे भाई स्टिक्स कैसे चले, वो वीडियो को और स्ट्रेंथ वाला वीडियो लिंक भेजना प्लीज, जरूर भेज देंगे भाई आपको। देखो स्टिक से चलने के लिए सबसे पहले आपको वॉकर के साथ चलना है कुछ दूर और उसके बाद जाके कुछ कदम स्टिक से चलना स्टार्ट करना है, एकदम से स्टिक लोगे नहीं चल पाओगे, जो आपको दिक्कत हुई मैं समझ पा रहा हूँ क्यों हुई, वो इसी कारण हुई है हड्डी जुड़ रही, मैं बार बार बोलता हूँ उसको समझा तो करो, मैं आप किसी के लिए भी बोल रहा हूँ आप भी सुनो ना उस चीज को कि आपके लिए भी वो काम करेगा, एकदम से कोई नहीं चल पाता भाई स्टिक एकदम से छोड़ के। हड्डी जुड़ रही है तो कैसे पता कर सकते हैं, अगर आपकी हड्डी जुड़ रही है तो आपको स्वेलिंग कम होने लग जाएगा, आपकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी, आपको चलने में बहुत आराम मिलने लग जाएगा, आपका जो दर्द है वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब है आपकी बोन रिकवर कर रही है। मनोज प्रॉक्सिमल टिबिया फ्रैक्चर कंप्लीट रिकवरी कितने टाइम में लगती है, देखिए डिपेंड करता है कि टाइप 1 फ्रैक्चर है, टाइप 2 फ्रैक्चर है, टाइप 3 फ्रैक्चर है, अगर किसी का टाइप 1 टाइप 2 फ्रैक्चर होता है उन फ्रैक्चर्स में रिकवरी आपकी 3 महीने तक आराम से पूरी, ऑलमोस्ट मतलब देखा है कि 6 महीने के अंदर तो आदमी नॉर्मल भूल जाता है सब कुछ।
उसके ऊपर अगर टाइप 4 फ्रैक्चर है या टाइप 5, ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका थोड़ा ज्यादा टूटा होता है बोन, तो उसको रिकवरी होने में भी टाइम लगता है, साथ में आपका पैर जो है वो जाम हो जाता है, बेंडिंग नहीं हो पाती है, जिस कारण आपको थोड़ा सा बोन तो रिकवर हो जाएगी एक टाइम के बाद, 3-6 महीने के अंदर बोन रिकवर हो जाएगी, लेकिन आपका पैर का मूवमेंट नहीं आ पाएगा पूरा, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हमारे मैं क्या नाम था आपका, अनिरुद्ध जी, जिला बड़े जी, हर महादेव भैया, हर महादेव में आ गया लाइव में, लाइक भी कर दिया, थैंक यू सो मच, और आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आती है लाइक, कभी भी कर दीजिएगा। प्रकाश भाई बोल रहे हैं मेरा घाव 2 इंच का था भाई, भर गया है और पस आ रहा है उसमें से। आपने बोला आपका घाव भर गया है अभी पस आ रहा है, प्रकाश भाई पस आना अच्छा नहीं है, अगर पस आ रहा है इसका मतलब है भरा नहीं है, इन्फेक्शन अंदर है अभी उसके। पस फॉर्मेशन कभी भी अच्छा नहीं होता, पस अगर किसी को निकल रहा है वो कभी भी अच्छा नहीं होता, आप डॉक्टर से बात करके उसकी सफाई कराइए प्रॉपर। पस फॉर्मेशन यानी कि इन्फेक्शन आपको पैर में हो गया है, उसका साफ होना बहुत जरूरी है भाई, समझिए इसको प्रकाश जी, कांडपाल जी इसको समझिएगा प्लीज। चिराग भाई लाइक कर दी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल आपने लाइक किया, थैंक्स अ लॉट चिराग। भाई भाई मैं व्हाट्सएप पर एक्सरसाइज सेंड किया हूँ, मैं सारे एक्सरसाइज देखूंगा, व्हाट्सएप मेरे सामने खुला हुआ है, सारे एक्सरसाइज देखूंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैसेज रीड कर लूँ पहले। नितिन भाई इंग्लिश का पेपर है क्या आज, एक्सरसाइज नहीं करूँ? आपने बोला इंग्लिश का पेपर है, आज रहने दो, रेस्ट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम पे कंसंट्रेट करो, ऐसा नहीं है कि आपको सारे एग्जाम छोड़ के आपको ये करना, ये तो एक बेसिक चीज है, लाइफ टाइम काम आपके एग्जाम आने वाला है, उसको आप जरूर करिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, इतना ये एक्सरसाइज अभी छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 50 दिन हो गए हैं मगर डॉक्टर नहीं चलने के लिए मना करा है, पार्शियल वेट भी नहीं चलाया, जो पार्शियल वेट तो एक बार डॉक्टर चला सकते थे, एक बार आपने एक्सरे भेजा है, बात कर लेंगे उस पर। डायनामेशन के बाद लिम्ब बढ़ गया है, जो केस आपने अभी तक देखे थे उनमें डायनामेशन के कितने दिन बाद इम्प्रूवमेंट दिखती है? देखिए डायनामेशन के 1 महीने के बाद जब आप एक्सरे कराते हैं तो आपका जो बोन रिकवरी है वो दिखने नजर आ जाता है। आपने बोला लिम्पिंग बढ़ गया, लिम्पिंग इसलिए बढ़ा क्योंकि रेस्ट मोड में गए आप, और ऑब्वियसली जब सर्जरी हुई है कट लगा है, जिस कारण आपको लिम्पिंग हुई है, जो मेरे को लगता है भाई, तो वो उसके कारण आपको हो रहा है लिम्पिंग जो आपको हो रही है। तो सार्थक घबराओ मत, थोड़ा टाइम तो लगेगा, हल्का फुल्का लिम्पिंग भी करेगा पैर, क्योंकि पैर में स्ट्रेंथ कम होगी, कट विट लगी है, चोट लगी है, दर्द तो होगी जिस कारण आपको लिम्पिंग होगा, लेकिन ये आपको आगे फायदा देगा, 1 से 1.5 महीने के बाद जब आपका एक्सरे होगा उसमें आपको खुद नजर आएगा कि पहले से बेटर तो आपका पैर हुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। 2000 स्टेप्स रोज के एवरीडे इनफ है, इसमें ही हालत खराब जाता है, अगर बॉडी थक रही है ना, 300 स्टेप भी बहुत है, समझो बात को, चलने में आपका पैर नहीं थकना चाहिए, आपका बोन और आपको आपकी मसल्स आपकी बॉडी नहीं थकनी चाहिए, अगर दोनों चीजें थक रही है ना तो जितने में थक रही, चाहे वो 200 कदम में थक रही है तो 200 कदम काफी है, इसको समझिएगा। फरकी डेडा जी, विश्व जी हाय, सब भाई सुनिए वेदना, लाइक कर दो भाई, आपने अपन लोग लाइव आते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आमिर जी, आमिर जी थैंक यू सपोर्ट के लिए, आमिर जी सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, आमिर जी को फ्रैक्चर होगा तो वो ठीक हो चुके हैं, जैसा कि मुझे भोला सिंह जी ने बताया, सिर्फ सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप लोग भी सपोर्ट करते हैं तो लाइक करिए और समझिए, टाइम निकाल रहे हैं हमारे आमिर जी को, तो मतलब आपको आगे सिर्फ बता रहे हैं वो, इसीलिए आ रहे हैं, तो समझिए उनकी बात को, थैंक यू सो मच आमिर जी। ये आपको दिख रहा होगा एक्सरे, हमारे पास ये एक्सरे है प्रवीण जी का, प्रवीण जी को डॉक्टर जो ये सर्जरी हुई है इसमें यहाँ पे फिक्सिंग आपको नजर आ रहा होगा, इस जगह पे प्रवीण भाई को फिक्सिंग किए गया है, बटरफ्लाई फ्रैक्चर और ज्यादा टुकड़ा टूट गया था, फीमर साइड में फ्रैक्चर हो गया था, जैसा कि हमने और भी एक्सरे देखे हैं, प्रदीप जी के भी देखे हैं हमने, रामचंद जी के भी देखे हैं, उनसे थोड़ा सही है लेकिन फिर भी टिपिकल फ्रैक्चर है। इसमें मेरे को ऐसा लगता है ना, ऐसे फ्रैक्चर्स में रिंग फिक्सेटर लगाना सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है, सर्जरी करके दोबारा मेरे को लगता है कि अगर इन्फेक्शन होगा तो इम्प्लांट तो रिमूव करना ही पड़ेगा, घाव इन्फेक्शन ऐसा कुछ तो नहीं है ना, अगर वो होगा तो ये इम्प्लांट रिमूव करके आपको सर्जरी दोबारा की जाएगी, रिंग फिक्सेटर किया जाएगा, अगर इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये रिकवर हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा, कितना टाइम आपको हो गया है वो भी क्लियर करिएगा, कितना टाइम आपको हुआ है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि रिकवरी कैसी हुई है। 3 मंथ आपने बोला आपको हो चुके हैं, 3 मंथ जो है 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग तो ठीक, मतलब कह सकते हैं कि ठीक हो सकता है अगले 6 महीने में भाई, थोड़ा टाइम वेट करके आप देख सकते हो, अगर इन्फेक्शन घाव वगैरह कुछ नहीं है तो, अगर इन्फेक्शन घाव है तो भाई प्लीज ध्यान रखो, इसको रिमूवल कराना सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा। मेरा ये बता दो, लाइव से जुड़ाऊ, ओके प्रवीण जी आपने मुझे अपना एक्सरे भेजा है। अब प्रवीण भाई देखो, अगर ये 3 महीने का एक्सरे है, इन्फेक्शन बाहर की तरफ नहीं है तो ये जुड़ सकता है एक बार को, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी, हो सकता है ये जुड़ जाए, लेकिन अगर आपकी इन्फेक्शन है बाहर की तरफ से, पस फॉर्म होता है, घाव बना हुआ है, तब इम्प्लांट रिमूव करना ज्यादा ऑप्शन रहेगा, अच्छा ऑप्शन रहेगा, ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और जल्दबाजी नहीं करिएगा, बोन अभी आपका यहाँ पे टुकड़े टुकड़े है लेकिन स्ट्रांग होने में टाइम लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ अमित सिंह जी का लिगामेंट प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है कि वो ठीक हो गए हैं, अभी तो ठीक हो गए होंगे ना वो, ओके तो आपको दिख रहा होगा प्रवीण जी का। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एक्सरेज आए हैं, इनको डाउनलोड कर लेते हैं। प्रॉक्सिमल टिबिया का टाइप 1 फ्रैक्चर था, अब टाइप 1 कैसे पता चलता है, देखिए जरा आपको दिख रहा होगा,
टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री ऐसे करके पता चलते हैं। तो ये टाइप वन फ्रैक्चर था, फिक्सिंग डॉक्टर ने इसमें प्लेट लगाई जाती या फिर दो स्क्रूज लगाए जाते, अब डॉक्टर ने इसमें शायद प्लेट लगाई है, प्लेट लगा के फिक्स कर दिया गया है, छोटी प्लेट लगाई है, ठीक है, प्लेट से फिक्सिंग कर दी गई, सिर्फ स्क्रू से भी करते हैं कई बार डॉक्टर फिक्सिंग, फिक्सिंग आपकी कर दी गई है बोन को अटकाने के लिए की गई, आप समझ पा रहे हो, बोन तो आपका वहां यहाँ पे भी ऐसे ही था, यहाँ पे भी कनेक्टेड तो था, क्रैक था सिर्फ, लेकिन उसको सपोर्ट रहे, वो गिर ना जाए, उसमें से कैलस डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए आपको एक साइड से दबा, एक तरह से कि दबा दिया आपके पैर को, ताकि आपका जो ये पार्ट है ये दबा रहे, फिक्स रहे इस जगह पे, हिलोडिल नहीं। यहाँ पे भी एक क्रैक नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक क्रैक नजर आ रहा है। अब ये क्रैक आपको किस लिए हुआ, मतलब लगाते टाइम हुआ या किससे हुआ, ये थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ कमजोर था लेकिन चोट नहीं थी, लेकिन जब आपका रॉड वगैरह ये जो प्लेट लगाया गया ना, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्रैक आया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए आपको ये स्क्रू डाला गया है, देख रहे हैं उल्टा स्क्रू डाला गया, ये इसी को फिक्स करने के लिए डाला गया है आपके। तो ठीक है, फिक्सिंग आपकी कर दी गई, पहले ये टाइप वन था, अब ये टाइप थ्री में आ रहा है, टाइप टू टाइप थ्री में आ जाता है, क्योंकि डबल साइडेड प्लेट हो गया, तो ये टाइप थ्री में आ जाता है थोड़ा सा। तो मकवाना जी, जय मकवाना जी ये है, तो भाई देखिए थोड़ा वेट करिए, फिक्सिंग डॉक्टर ने अच्छी की है, रिकवरी तो हो ही जाएगी, फोर्थ डे ऑफ सर्जरी है ये, टुडे 50 डेज के बाद कैसे फिक्सिंग है, 50 डेज के बाद देखिए अंदर का जो गैप वो नजर आ रहा था 50 दिन के अंदर ही वो भर गया, बल्कि हमने बहुत कम देखा है कि 50 दिन के अंदर ऐसे गैप भर जाए, आप देख रहे हैं इस जगह पे, समझ पा रहे हैं, ये जो गैप क्रैक था ना ये पूरा भर गया 50 दिन के अंदर ही। तो कितनी अच्छी डाइट आपने ली है, कितना मेहनत आपने किया है, वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी, और साइड का बोन भी अच्छा दिख रहा है 50 दिन के अकॉर्डिंग, भाई बहुत बढ़िया है, भाई बहुत बढ़िया फिक्सिंग है ये, 50 दिन के अंदर इतनी अच्छी रिकवरी बहुत कम ही देखने को मिलती है, तो ये बहुत बढ़िया है सब कुछ, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी, और आप तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे भाई, 50 दिन के अंदर अगर ऐसी रिकवरी की है तो सब कुछ ठीक है आपके केस में, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी। एक आपने फोटो भैया 3 मंथ हो चुके हैं, ये इतना फूल क्यों रहा है, देखिए जब हम किसी को स्टिचेस मार्क होते हैं ना, स्टिचेस मार्क फूल जाते हैं, इनसे कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, स्टिचेस मार्क है आपके, धीरे धीरे फूल है, अपने आप भी बैठ भी जाएंगे, आपका मूवमेंट चल रहा है, आप चलते रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, करो सब कुछ, कोई डरने की कोई टेंशन की बात नहीं, अपने आप ये सीधे नॉर्मल नीचे आ जाएंगे, स्टिचेस मार्क के वहीं पे ये हल्का फुल्का फूल जाता है, हाथ में है ये, ओके हाथ में है, कहीं भी हो, मतलब ये स्टिचेस के मार्क है, चाहे हाथ के हो चाहे पैर के हो, पैर में भी ऐसे ही फूलता है। 3 मंथ हो चुके हैं, रिस्क में फ्रैक्चर था, क्या मैं बाइक चला सकता हूँ, मेरे हिसाब से तो 3 महीने में मत चलाओ, क्योंकि पैर हाथ में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उसको झेल पाए, गिर जाएगी बाइक तो फायदा नहीं है, पैर को फ्रैक्चर थोड़ा ना करना है हमने, तो मेरे हिसाब से पहले हाथ की स्ट्रेंथ आने दो, उसके बाद चलाइएगा। कुछ एक्सरसाइज मुझे भेजे हुए हैं भाई, आप में से किसी एक भाई नहीं देख लेते हैं इसको, देखिए आपको ये फ्रैक्चर हुआ है और इसमें आपको इनिशियल एक्सरे नजर आ रहा होगा, इनिशियल एक्सरे कैसे पता चलता है, जब हमें ये स्क्रूज दिखाए नजर आते हैं ना एक्सरे में, तो पता चलता है कि इनिशियल एक्सरे सर्जरी के बाद का एक्सरे है, वरना स्टिचेस रिमूव हो जाते, तो स्टिचेस नजर आ रहे हैं। फिक्सिंग अगर हम बात करें फ्रैक्चर की, तो टाइप वन फ्रैक्चर इसमें भी नजर आता है, टाइप वन फ्रैक्चर को प्लेट से फिक्स किया है, बहुत छोटी सी प्लेट लगाई गई है ताकि वो फिक्स हो जाए, बढ़िया है, फिक्सिंग अच्छी है तो फिर डरने की बात नहीं है। मूवमेंट करना घुटने का, देखो जिसके भी ना प्रॉक्सिमल डिबिया का फ्रैक्चर होता है, पटेला फ्रैक्चर होता है, डिस्टल फीमर, घुटना बेंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था तो आज से ही कर दो, बहुत जरूरत है आपका। पहले आपको बेंडिंग करना चाहिए, आपको बेंडिंग एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए भाई, प्लीज आप बेंडिंग करिए, आपको फायदा होगा, जितनी ज्यादा बेंडिंग आप करेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी भी होगी, आपको उतनी जल्दी फायदा ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एक्सरे है, लिगामेंट का प्रॉब्लम है, एमसीएल लिगामेंट का, इसलिए रॉड निकाल रहा हूं, निकालने के बाद ऑपरेशन होगा भाई। इन्होंने क्या बोला है कि इनको जांक, इनको मतलब जो जिसको हम बोलते हैं एमसीएल का जो लिगामेंट है उसमें हुआ है। देखिए एमसीएल लिगामेंट जो होता है नॉर्म, ये मतलब हम लोग देखते हैं ना कि एसीएल या एमसीएल, ये आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो नॉर्मली फ्रैक्चर हमको हो जाते हैं उसमें एसीएल एमसीएल पीसीएल यही फ्रैक्चर यही टीयर होता है। जब आप मतलब जैसे इसमें इस केस में मतलब ज्यादातर क्या होता है एमसीएल से रिलेटेड इश्यूज में क्या होगा, आपको पैर अंदर की तरफ नहीं जाएगा, बेंडिंग करने में दिक्कत देगा, अंदर की तरफ मूवमेंट करने में वो दर्द कर देगा और खिंचाव सा महसूस कराएगा, ये सब कुछ करता है वो लिगामेंट में अगर चोट लगती है तो, अंदर की तरफ को अगर एमसीएल में अगर किसी को चोट लगी होती है तो वही शायद उनको भी प्रॉब्लम रहता होगा। डॉक्टर ने बोला है कि आपको रॉड निकाल देंगे उसके बाद, क्योंकि एमआरआई वगैरह रॉड के साथ डॉक्टर नहीं करना चाहते, तो वो निकालने के बाद आपका एमआरआई करेंगे तब एग्जैक्ट पता चलेगा टाइप कौन सा आपका सर्जरी है, कौन सा टियर हुआ है भाई। अधिक के टाइम दिन में फ्रैक्चर
फ्रैक्चर हो जाते हैं भाई, अधिकतर कितने दिन में फ्रैक्चर ठीक हो जाते हैं? देखिए मिड फ्रैक्चर्स जो होते हैं विदिन 3 मंथ्स हमने देखा है कि अच्छे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी को लंबा टाइम भी लगता है, किसी किसी को उससे ज्यादा टाइम भी लगता है। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आपकी रिकवरी कैसी है, आपकी मतलब कि आप डाइट अच्छी कैसी, आप डाइट कैसी ले रहे हैं, आपकी रिकवरी कैसे हो रही है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है ये। सॉरी आई एम सॉरी, तो ये चीज पूरी डिपेंड करती है उसी पे। मेरे पास मैसेजेस थे जो कि गायब हो गए, ये रहे, ओके। तो ये पूरा उसी पे डिपेंड करता है, इस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास, आपने बोला कि आपका आज का एक्सरे 50 दिन के अंदर ही अच्छा एक्सरे था आपका, ये नजर आ रहा होगा आपको। एक एक्सरे ये रहा आप में से किसी एक भाई का, उमेश जी का ये एक्सरे नजर आ रहा है मेरे को। एक सेकेंड ना, ये कुछ दिक्कत कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास उमेश जी का एक्सरे है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। उमेश जी की फिक्सिंग बहुत अच्छी हुई है, बोन में एक्सेस कैलस भी नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है भाई। बहुत कम होता है कि हमको एक्सेस कैलस ऐसे देखने को मिलता है। फीमर के केस में अच्छी फिक्सिंग है, अच्छा रिकवरी है भाई। 9 मंथ हो गए हैं, डॉक्टर ने चलने के लिए बोला है, बिल्कुल चलिए, रिसर्जरी एंड बोन ग्राफ्टिंग डन आफ्टर 9 मंथ। आपका बोन फिक्सिंग काफी अच्छा है, एक्सरे उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बोन में एक्सेस कैलस यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है वो शायद ग्राफ्टिंग के बाद ही हो, लेकिन पूरा सब कुछ ठीक है आपके बोन में, एसेस गैप भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऑल द बेस्ट भाई, थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद सारे काम करिएगा। 9 मंथ हुआ है आपने बोला था, ये आपका पुराना एक्सरे था जिसमें हल्का सा गैप नजर आता है। इस टाइप का एक्सरे होता ना क्लियर, तो ज्यादा अच्छा नजर आता है, उसमें उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा आपके एक्सरे में। ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ कोई एक बोन निकला हुआ है, लेकिन वो यहाँ का कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ग्राफ्टिंग की ही वो बोन होगी। एक्चुअली ग्राफ्टिंग करने में कभी कभी बाहर की तरफ निकल जाता है, डरना नहीं है। कुछ टाइम वेट करेंगे, 30 से 45 दिन के अंदर डॉक्टर आपको चलाएंगे, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर रिकवरी। ब्रो लेग फ्रैक्चर दूसरे लेग से बाहर भारी लगता है। फ्रैक्चर्ड लेग भारी इसलिए लगता है क्योंकि आपकी मसल बहुत वीक हो जाती है, आपकी मसल्स जो है वो वीक होने के कारण आपका पैर आपको भारी भारी फील होने लगता है। जैसे जैसे आप मसल गेन करते हो पैर वापस से नॉर्मल हो जाता है। जंप वगैरह कितने मन से कर सकते हैं? हमेशा जंप के लिए ध्यान रखिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको अगर जंप करना है तो आपको उसके लिए वेट करना है कम से कम छह महीना आपको वेट करना है जंप करने से पहले। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी। 6 महीने भी मैं आपको जल्दी बोल रहा हूँ, 6 से 8 महीने के अंदर जितना स्ट्रेंथ आपके पैर में आएगा उसके बाद आपको करना है ये सब कुछ। जंप वगैरह तो जिंदगी भर करना है भाई, जल्दबाजी नहीं करना इसमें करने की। तो एक फिक्सिंग आपने मुझे एक सर्जरी एक्सरे भेजा हुआ है भाई, इतना क्लियर तो नहीं है ये एक्सरे, लेकिन हम देखने की कोशिश करते हैं भाई। इसको दिखाइए, बताइए कितना टाइम लगेगा इसको हील होने में। आपने मुझे एक फोटो भेजा हुआ है जिसमें आप बोल रहे हैं कि इसको दिखाइए, इसको कितना टाइम लगेगा हील होने में। देखिए यहाँ हल्का सा गैप, ये जो धब्बा नजर आ रहा है यही दिखता है पटेला में, आवश्यक दिक्कत तो और कोई नजर आ नहीं रही है, नॉर्मल दिख रहा है ये, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3 महीने के अंदर अच्छा हो जाना चाहिए इसको, अगर किसी का अगर ऐसा फ्रैक्चर हुआ है तो 3 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि मिड में है ना, तो मिड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतना क्लियर नहीं है लेकिन जितना भी उससे ये समझ में आ रहा है। सलमान जी ने एक वीडियो भेजा हुआ है, देख लेते हैं। सलमान जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये साइकिलिंग कर रहे हैं, इससे पैर का स्ट्रेंथ बढ़ता है, और ये एक्सरसाइज अगर कोई कर पा रहा है तो उसके घुटने की स्ट्रेंथ अच्छी है, उसके पैर की स्ट्रेंथ वो अच्छी गेन कर लेगा। करते रहिए एक्सरसाइज, बहुत अच्छी है आपके लिए भाई। दोनों पैर बराबर बराबर चलने चाहिए। आपने अपना वॉकिंग का वीडियो बनाया स्टिक के साथ नितिन भाई, तो मैं सलमान हूँ, स्टिक के साथ स्ट्रेंथ का वीडियो का लिंक बताओ भाई, मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे एक बार चल के दिखाइएगा कि आप चल कैसे पा रहे हैं, कितनी दिक्कत आपको हो रही है वॉकर के साथ स्टिक के साथ चलने में, प्लीज बताइएगा। तो लाइव प्रवीण भाई जी वाला मैंने देख लिया आपका एक्सरे, मैं वही बोल रहा हूँ कि टाइम तो लगेगा इसमें, 3 महीने के अंदर अगर ये रिकवरी है टाइम लगेगा, ठीक हो सकता है, टाइम थोड़ा लंबा लग सकता है क्योंकि काफी ज्यादा टूटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ऊपर साइड में आपको। कपिल है नाम मेरा, 3 मंथ हो गया है, आप कुछ बताए नहीं भैया, डॉक्टर ने मना कराया अभी चलने के लिए। डॉक्टर ने आपको मना कराया है चलने के लिए, लोअर साइड में फ्रैक्चर हुआ था। देखिए 3 महीने में चलने को मना करना मेरे को समझ नहीं आता कि मना करने का रीजन, क्योंकि फिक्सिंग जो है वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार फिक्सिंग है, फिक्सिंग डॉक्टर ने अच्छी की है और बोन भी अपनी जगह पे है। चलने के लिए मना करने का रीजन मे बी ये हो सकता है कि आपका ये जो यहाँ पे से नीचे टच कर रहा है ना, यहाँ पर आपके एंकल पे दर्द कर सकता है, ये एंकल मूवमेंट ज्यादा आपका अच्छा हो जाए, इसलिए डॉक्टर मना कर रहे हो, ये मैक्सिमम रीजन ये रहते हैं। जय हमारे पास साईं जी है ना, उनको भी इसी कारण से नहीं चलाया था डॉक्टर ने। बाकी बोन आपका ठीक ठाक ही हो रहा है, स्ट्रांग होने की बात है, ये स्ट्रांग होना चाहिए एरिया, हड़जोड़ प्लान ट्राई करिए ताकि ये और स्ट्रांग हो भाई बोन के कनेक्शन, जितना बोन का कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी आप रिकवर करेंगे। आपने बोला है कि फुट टेढ़ी लग रही है मुझे एंकल हाई, इतनी पोजीशन में ज्यादा टाइम बैठने पर पैर खड़ा होने पर नी में पेन होने लगता है, ये बिल्कुल बेसिक बात है। देखिए आपके नी में पेन हो रहा है, आपके एंकल में पेन हो रहा है बहुत देर तक बैठने के बाद, इसका मतलब है आपकी मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक है अभी। आप जैसे जैसे मसल्स को गेन करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे, और क्या होता है ना 2-3 कदम चलते हैं उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, ये भी होता होगा साथ में कि आप 2-3 कदम चलते होंगे उसके बाद तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये 2-3 कदम के लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि मसल वापस से स्टिफ हो जाती है आपकी, तो घबराइए नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है,
आप जब भी आप उठने के लगते हैं, जब भी आप चलने लगते हैं, उससे पहले हल्का सा मूवमेंट दे दें, हल्का सा पैर का मूवमेंट ले लें, जिससे आपका रिकवरी और अच्छा हो जाए, जिससे आपको चलने में आराम मिले। एक ऑडियो मुझे आपने भेजा है, इनका ये एक्सरे है, आपको दिख रहा होगा डिस्प्लेस फ्रैक्चर है आपको। देखिए इनका मैसेज मैंने सुन लिया, चलिए मैं इनका पहले मैसेज आपको दिखा देता हूँ। ये फिक्सिंग, ये इनका सर्जरी था जो कि पैर फ्रैक्चर काफी टिपिकल हुआ था, आप देख रहे होंगे ना पूरा डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से हिल गया, नीचे का हिस्सा भी हिल गया है, ये भी पूरा फिबुला भी टूट गया है, काफी मुड़ गया पैर, ट्विस्ट हो गया, जिस कारण हुआ है। अब इनकी सर्जरी जो डॉक्टर ने की है वो देखिए, डॉक्टर ने कितनी क्लीन सर्जरी की है ऐसे पता चलता है, इस चीज को समझिए। आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया डॉक्टर ने फिक्सिंग कर दी, आपका फिक्सिंग, आपका जो मीडियल था वो फिक्स कर दिया, ये जो एरिया पूरा ट्विस्टेड था वो पूरा एरिया जोड़ दिया है, इसको वायर से जोड़ दिया है, इतना प्यारा डॉक्टर ने फिक्स कर दिया है। तो आपको डरना नहीं चाहिए, डरने का इसमें कोई बात है नहीं, आप अपने मन से डर हटाइए, डॉक्टर ने भी आपको यही बोला है। कुछ टाइम रेस्ट जरूर करिए, रेस्ट करने के बाद आप करना स्टार्ट करेंगे चलना वगैरह, लेकिन अभी आप रेस्ट मोड में, आप रेस्ट में ही रहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी काम में, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि टिपिकल फ्रैक्चर जरूर था लेकिन डॉक्टर ने अपना इतना अच्छा काम किया है। इसको तो देख के आपको पॉजिटिव होना चाहिए कि यार इतना मेरा बुरा कंडीशन था और डॉक्टर ने मेरे को इतना प्यारा इसको फिक्स कर दिया कि लगता ही नहीं है कि वो फ्रैक्चर हुआ है। ऑल द बेस्ट, एंकल थोड़ा जाम हो सकता है, हल्का फुल्का उसको मूवमेंट करने के लिए डॉक्टर ने अलाउ किया है तो जरूर करिए, धीरे धीरे चलेंगे, डॉक्टर पे शक मत करो, गवर्नमेंट डॉक्टर्स ऐसा नहीं है कि वो खराब होते हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचो भाई। मेरा नाम लीडर है सर, मैं जंप सर आज जंप लगाने की ट्राई किया तो ज्वाइन किया, क्यों करा ज्वाइंट, आपको जंप नहीं करना है अभी, आपके ये देख रहे हो आप स्क्रूज लगे हुए हैं, ज्वाइंट में दर्द तो करेगा ही करेगा, अभी क्यों कर रहे हो यार जंप, आपका बोन ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप जंप करने लग जाओगे, जंप करना जल्दी नहीं है, जंप नहीं करना है अभी आपको, आपका डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको रहने दीजिए, आपको अभी 28 जून को ही हुआ था और आप आज जंप कर रहे हो, ये बहुत गलत है, 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर अगर आप जंप कर रहे हो तो बहुत गलत है, आपके अपने बोन के साथ गलत कर रहे हो, मत करो भाई ऐसा, क्या मिल रहा है ऐसा करके आपको, बिल्कुल जम नहीं करना चाहिए, रेस्ट करो कुछ टाइम और एक्सरसाइज करो, नॉर्मल चलो, अभी आपको चलना स्टार्ट करना है, फिर आपको जॉगिंग करनी है, फिर आपको रनिंग करनी है, फिर आगे जाके आपको करना है भाई जम्प वम्प, जल्दबाजी करके अपना प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए। ये एक ये आप मुझे बोला कि उन्होंने एक्चुअली मेरे को दिखा कि आपकी वीडियो मैंने प्रोडक्ट्स देखे हैं तो क्या मैं ये ले सकती हूँ। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये मैंने ट्राई किया था, ये मैंने ट्राई किया था प्रो 360, ये मैंने किस लिए ट्राई किया था मैंने वो ही बताया था, क्योंकि इसमें हडजोड़ था, यहाँ पे एक ना सीसस क्वाड्रेंगुलरिस लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है सीसस क्वाड्रेंगुलरिस, मैंने इसी कारण इसको यूज करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को जब हडजोड़ का पता चला और मेरे को जो उससे रिकवरी हुआ तब मेरे को लगा कि ठीक था, और दूसरा मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं और ये था वेजिटेरियन प्लस शुगर फ्री, तो इसलिए मैंने ये प्रोटीन लिया था, बाकी और कोई रीजन नहीं था इसको लेने का। दूसरा ये दवाई मेरे को डॉक्टर ने दी थी, तो डॉक्टर जो दवाई देता है वो जरूर लेनी है आपने, वो आपको खुद से लेनी है, जिसमें सीसस क्वाड्रेंगुलरिस सबको दी होगी दवाई, डॉक्टर ने जो भी दवाई दी है ना उसमें सीसस क्वाड्रेंगुलरिस जरूर होगा, जिसको हडजोड़ बोलते हैं, तो आपको ये दवाई लेने की स्पेशल जरूरत नहीं है, ये मैंने ली थी, मैंने अपने बारे में बताया है, आप वही दवाई लो जो आपको डॉक्टर ने दी है। हाँ अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है या आप नहीं खाते हैं नॉनवेज, तो आप ये वाला प्रोटीन ले सकते हो, लेकिन मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये मीठा नहीं होता, बिल्कुल फीका सूखा फीका होता है बिल्कुल, ये दूध के अंदर डालोगे तो आपको ऐसा मीठा वाला टेस्ट नहीं आएगा, चॉकलेट वाला वेनिला फ्लेवर का टेस्ट जरूर यूज होगा लेकिन आपको मीठा नहीं लगेगा वो, तो आप ले सकते हो अगर इसको चाहो तो, ये नॉर्मल प्रोटीन है, वरना प्रोटीन वाली डाइट ले लो, आप मूंगफली वगैरह खाओ उससे भी आपको फायदा होगा। सर नॉर्मल पेन किलर और मल्टीविटामिन दिए थे, पेन किलर आपको तभी लेनी चाहिए जब आपका पेन बिल्कुल असहनीय हो, आपसे पेन बिल्कुल सहा ना जाए तब आपको पेन किलर लेनी है, वरना पेन किलर नहीं लेनी होती है, इसको समझिएगा। डॉक्टर ने आपको पेन किलर दी जरूर है, ये आपको तब लेनी है जब आपको बहुत दर्द हो, जबरदस्ती हो तभी लेनी है वरना नहीं लेना है। मल्टीविटामिन आप ले सकते हो, मल्टीविटामिन आपके लिए अच्छी है वो आप ले सकते हैं। सर अब बंद करवा दी मम्मी ने बंद करा दी मम्मी ने नहीं डॉक्टर ने बंद कराई होगी, मल्टीविटामिन ले सकते हो, पेन किलर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही किया उन्होंने, आपकी मॉम ने बिल्कुल सही किया है, आपको सिर्फ मल्टीविटामिन लेनी चाहिए क्योंकि मल्टीविटामिन आपके लिए अच्छे हैं। मल्टीविटामिन लो, आपको पेन किलर की जरूरत ही नहीं है, दर्द तो ये समझो कि जब बहुत ही दर्द हो ना असहनीय तभी लेनी चाहिए। मैंने सिर्फ 3 दिन फ्रैक्चर के बाद सिर्फ 3 दिन मैंने लिया था अपने घर आने के बाद पेन किलर, वरना मैंने फिर लिया भी नहीं था जब मुझे पता चला कि वो पेन किलर है, नहीं होता अच्छा पेन किलर, तो आपको वैसे ही पता है कि अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए।
चलिए अभी कुछ मैसेज है भाई, आज मुंबई के सबसे बड़े ऑर्थो डॉक्टर के पास गया था, वो बोल रहे हैं कि प्लेट निकाल के दूसरा डालना पड़ेगा विद बोन ग्राफ्टिंग। भाई और कोई डॉक्टर्स हैं सिर्फ बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोल रहे हैं? नहीं, देखिए जब बोन ग्राफ्टिंग होती है तो निकाल के ही करो तो ज्यादा अच्छा रहता है, वो ज्यादा क्लियर भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। गैप यहाँ पे हल्का फुल्का है। ये सार्थक जी हैं क्या हमारे? संदेश जी हैं, ये संदेश जी हैं। तो संदेश जी, ये जो आपका फिक्सिंग है इसमें गैप यहाँ पे नजर आ रहा है, ग्राफ्टिंग तो करनी पड़ेगी नो डाउट। आपको डबल साइडेड प्लेट भी दे सकते हैं डॉक्टर, राइट साइड से भी प्लेट लगा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये डॉक्टर के ऊपर रहता है। बिल्कुल आप इसको रिमूव करके दूसरा इम्प्लांट और साथ में आप ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं अगर इसको 7-8-9 मंथ हो गए हैं, क्योंकि गैप अभी भी नजर आ रहा है यहाँ पे। 8-9 महीने के बाद क्या होता है ना, रिकवरी थोड़ी हल्की हो जाती है। अगर हल्की रिकवरी हो रही है तो फिर ऐसे केस में आपको ग्राफ्टिंग करानी पड़ती है। और प्लेट का फिक्सिंग है तो प्लेट के फिक्सेशन के साथ तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम लॉन्ग टर्म इस पे विश्वास कर लें कि भाई हल्का फुल्का गैप है चलते रहते हैं ठीक तो अपने आप हो ही जाएगा। धीरे धीरे रिकवरी हो भी रही होगी ना तो प्लेट जो है उतना वेट नहीं चल पाएगी इतने लंबे टाइम तक का। इसलिए अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं तो आप रीसर्जरी के लिए सोच सकते हैं, जा सकते हैं। एक्सरे देखिए भैया, मैंने एक्सरे देखा था आपका, एक्सरे मैंने देखा था और दिखाया भी था, मिड साइड में फ्रैक्चर आपका है। एक्सरे मैंने आपको पहले भी देखा था, अभी मैं फिर से देख लेता हूँ, लीजिए। तो कहाँ गया ये, रह गया ये, नहीं चल रहा, फोटो नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे आपका एक्सरे जरूर नजर आ रहा है जिसमें आपको दिख रहा होगा टुकड़ा जो है वो टूटा हुआ है। तो भाई देखो ना, ये टुकड़ा हल्का सा अलग है, बीच में गैप जरूर है, ये भर जाएगा। हर जोड़ प्लांट, अच्छी डाइट और डॉक्टर ने जो आपको दवाइयां दी हैं वो आप लेते रहिए, आपको फायदा जरूर होगा। डॉक्टर्स लगे हैं आपको ठीक करने के लिए, आपको डरना नहीं चाहिए, टेंशन छोड़िए, डरना छोड़िए प्लीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है वरुण भाई, ये वरुण जी हैं, वरुण जी कहते हैं आपको क्या लगता है भैया, ये मैसेज पढ़ लेता हूँ उनका, पहले हम पहले एक्सरे देख लेते हैं। देखो मेरे को जो लगता है उससे पहले मैं आपका एक्सरे देख के बताता हूँ, आपका बोन यहाँ पे तो सही है, कैलस फॉर्मेशन अच्छा है, एक जगह ऊपर वाले साइड पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कम है, जो कैलस का फॉर्मेशन है ना इस जगह पे थोड़ा सा कम दिख रहा है। बाकी नीचे वाला फ्रैक्चर तो ठीक है, नीचे वाला जो गैप है वो तो पूरा अच्छा फील दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा गैप दिखता है। तो अगर इसका कोई दूसरा एक्सरे भी हो, आपके पास दूसरा व्यू भी हो तो वो भी भेज दीजिएगा। भैया ये एक्सरे आज कराया, 5 मिनट कम्प्लीट हो गए हैं, रिकवरी कैसी है? विदाउट सपोर्ट चल रहा हूँ। क्या डॉक्टर बोल रहे हैं स्टिक से चलो? डॉक्टर बोल रहे हैं, जो आपको डॉक्टर बोल रहे हैं स्टिक से चलो ना, मेरे को लगता है उसका रीजन ये वाला पार्ट है। नीचे का पार्ट ठीक है, ऊपर वाले पार्ट के कारण डॉक्टर आपको स्टिक बोल रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे बोन में ना, कोई एक एरिया जैसे नहीं जुड़ रहा है, ये वाला एरिया आपका भी नहीं जुड़ा जिसके कारण डॉक्टर आपको स्टिक बोल रहे हैं। बिल्कुल आप फुल वेट से फिर आना, जब आपका हो सकता है डॉक्टर आपका स्क्रू रिमूव कर दें एक, उसके बाद बोलें कि आपकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी, तो उसके कारण रोक रहे हैं डॉक्टर। जल्दबाजी करके वैसे भी फायदा नहीं है, चल पा रहे हो दैट इज गुड। अगर आप विदाउट स्टिक आराम से चलते हैं, हल्का हल्का चल सकते हैं, अगर आपको दर्द करता है 1% भी तो आपको नहीं चलना है। बाकी ऐसा बोन में कुछ दिक्कत नहीं होगी, बहुत हल्का सा गैप है, भर सकता है ये, धीरे रिकवरी हो रही है नो डाउट। 5 महीने के अंदर इतना गैप नहीं रहना चाहिए, ये तो भर जाना चाहिए 5 महीने के अंदर तक, तो थोड़ा रिकवरी स्लो है। अब क्यों स्लो है आप उसकी रीजन जानते होंगे, आप अपनी डाइट क्या ले रहे हैं वो भी जानते होंगे। प्लीज अपनी डाइट पे फोकस करो और ये हल्का सा बचा हुआ है इसको भी ठीक करो, क्योंकि जरूरी है इसको ठीक करना। ये ठीक में जब तक नहीं होगा तब तक आपकी रिकवरी होने में टाइम लगेगा, उतना ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, इस चीज का ध्यान रखिए प्लीज। वरुण जी आपको क्या लगता है बिना स्टिक के? देखिए आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो आप चल सकते हो, बस इस चीज का ध्यान रखना है, बॉडी के ऊपर है आपका अलाउ कर रही है तो आप चल सकते हो विदाउट स्टिक, क्योंकि रॉड का फिक्सेशन है ना इसमें आप चल सकते हैं। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने एक्सरे भेजा हुआ है, इनिशियल एक्सरे है, मैंने इस पे डिस्कस किया था, प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर है, फिक्सिंग डॉक्टर ने अच्छी की है, मोहम्मद यूसुफ जी का ये एक्सरे है, मैंने दिखाया था ये एक्सरे आपका, देखा भी था मैं आपको, इन्होंने एक ऑडियो भेजा है, अगर मैं दिखा पाता हूँ तो मैं उस ऑडियो को आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, पहले खुद सुनता हूँ पहले क्या बोल रहे हैं। चलिए इसको अंदर रखते हैं ताकि आप लोग ऑडियो सुन पाए। सर मेरे ऑपरेशन को आज 55 दिन हो गया, मगर डॉक्टर ने अभी तक मुझे पैर फोल्ड करने और जमीन पे पैर रखने के लिए मना किया गया, तो सर जरा बता सकते हो कि क्या है, मेरा फ्रैक्चर सही हो गया है या कैसा है? देखिए इनको 55 डेज हो गए हैं और डॉक्टर ने इनको पैर रखने के लिए तक मना कर रहा है, पार्शियल वेट बेयरिंग भी स्टार्ट नहीं किया है। प्रॉक्सिमल टिबिया का ये फ्रैक्चर था जिसमें एक प्लेट की फिक्सिंग की गई थी, आप देख पा रहे हैं 55 डेज के बाद का एक्सरे आपके पास अभी है नहीं, अगर वो होता तो मैं शायद आपको और अच्छी तरह बता पाता। बेसिक 55 डेज के अंदर पार्शियल वेट बेयरिंग टो टच करके चलना स्टार्ट हो सकता था, आपको नहीं कहा गया, मे बी उसका रीजन कुछ और हो, डॉक्टर ने कुछ और देखा हो, कुछ और कंडीशन हो, लेकिन अब वो तो एक्सरे पे ही पता चलेगा जो नया आपका एक्सरे हुआ है। फिलहाल इस एक्सरे के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि आपकी फिक्सिंग डॉक्टर ने अच्छी की है, प्रॉक्सिमल टिबिया का है लेकिन गैप पूरा मेंटेन है। घुटना बेंड करना चालू कर दीजिए, हल्का 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 ही सही कर दो चालू, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घुटने की एक्सरसाइज करने के लिए, आपके घुटने के स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, आपके घुटने के गैप को मेंटेन करने के लिए, तो प्लीज अपने घुटने की एक्सरसाइज करिएगा। बाकी डॉक्टर से ज्यादा हम नहीं बोल सकते बिल्कुल भी, मेरा पर्सनल व्यू अगर मैं आप पूछते तो मैं आपको कहता कि हाँ पार्शियल वेट बेयरिंग इसमें स्टार्ट हो सकता है ऐसा देख के नजर आता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी।
बोन ग्राफ्टिंग से जुड़ जाएगा कि नहीं भाई? पक्का जुड़ेगा भाई, क्योंकि बोन ग्राफ्टिंग में आपका एक बोन लेके यहाँ पे डॉक्टर लगा देंगे, उससे आपकी रिकवरी हो सकती है। इसमें आपका प्लाज्मा डाल के भी डॉक्टर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लंबा टाइम क्यों खींचना है? अब अगर आपको 5 महीना 8 महीना हो गया तो मेरे को लगता है कि करवा लेना चाहिए भाई सर्जरी। 125 दिन का एक्सरे है हमारे जुनैद जी का, मास्टर जुनैद, मिस्टर जुनैद जी का ये एक्सरे है। और जुनैद भाई आपकी रिकवरी, आपका बोन बोल रहा है आपकी रिकवरी की कहानी। आप देख सकते हैं कि कैलस ने पूरा स्ट्रांग कर लिया है, इस जगह से भी बोन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। आपने बोला कि कितने डेज हुए हैं, 125 दिन, तो आपका बोन ठीक है, आपका बोन अच्छा रिकवर हो रहा है। मिड फ्रैक्चर है, आप सारे काम अभी नॉर्मल चलना चालू कर सकते हो। एक चीज जो हो सकती है इस केस में वो है एक स्क्रू रिमूवल। इसको अगर आप करा लेते हो ना तो और अच्छा देखने को मिल जाएगा और चलने में भी आपको आराम मिल जाएगा। तो अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो निकलवाइए, नहीं कह रहे हैं तो आप नॉर्मल चलो, जितना प्रेशर के साथ चलोगे उतनी जल्दी आपका बोन रिकवर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी। एक एक्सरे ये रहा भाई, बायमोलर सर्जरी भी है, 128 दिन हो गए हैं। वीडियो देख लेते हैं इनकी, वॉक कैसी है और लिंपिंग कितनी है। आज का वीडियो ऑफिस में निकाला है, हाई भाई 5 मंथ हो चुके हैं बायमोलर सर्जरी को, अभी तक पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं आया है, 70% ही आया है। 70% रेंज ऑफ मोशन अच्छा है, बढ़ाते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, अपने आप आएगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। वीडियो शायद पुराना है क्योंकि टुडेज का मैसेज में तो मुझे यही दिख रहा है, तो पुराना है इसलिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो है मैसेज इनका पढ़ लिया है। रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे आ जाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज रखिए, आएगा 100%। 90 डेज का एक्सरे है और डॉक्टर ने कहा है कि आप स्टिक से चल सकते हैं, लेकिन मैं चल नहीं पा सकता, स्टिक के साथ बहुत पेन होता है। आपको डॉक्टर ने बोला है चलने के लिए, लेकिन आप चल नहीं पा रहे हो। आपके फिबुला को कट किया गया है, टिबिया में आपके जो फिक्सिंग है वो की गई है, बोन की फिक्सिंग काफी अच्छी है। डॉक्टर ने स्टिक के साथ चलने के लिए कहा आप नहीं चल पा रहे हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप जैसे चल पा रहे हो, आप विद स्टिक चल पा रहे हो, आप वॉकर के साथ चल पा रहे हो, चलो, आप जैसे चल पा रहे हो वैसे चलो। इनिशियल टाइम पे आप हो, 90 दिन का एक्सरे है, वैसे तो स्टिक पे आया जाना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को उतना स्ट्रांग नहीं किया, जिससे आपके पैर की स्ट्रेंथ नहीं बन रही है। तो प्लीज अपने मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए काम करिए। मतलब मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए क्या काम करना है आप सोचोगे, तो हैवी एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से काफी फायदा मिलता है आपके मसल्स को, आपके बोन को। तो एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज करें, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी, टेक केयर। तो ये आपको दिख रहा होगा इनका यहाँ पे फ्रैक्चर, और एक फिबुला को भी इनके कट किया गया है। बेटर एक्सरे तो आपका है ही है, इसमें जो एक्सरे आपका यहाँ पे बेटर नजर आ ही रहा है। तो फिक्सिंग तो आप कर ही हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, चलना चालू करना चाहिए, नहीं चल पा रहे हो, पैर में स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सरसाइज करो तभी स्ट्रेंथ आएगी। जितना वॉक करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, उतना स्ट्रेंथ आएगी, और जितना आप लाइक करेंगे उतना हम लोग यहाँ से प्यार से आपका आंसर दे पाएंगे। तो थैंक यू सो मच भाई लोगों, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। जितने लोगों ने कर दिया उनको थैंक यू, और बाकी जिन्होंने नहीं किया कर दो यार लाइक। एक एक्सरे आपको दिख रहा होगा, आप तो निकलवाइए, हमारे शिवशंकर जी हैं, बिल्कुल निकलवाओ भाई। ये देखो लड्डू बन गया, अच्छा अच्छा था, इतना प्यारा लड्डू बन गया है, बिल्कुल निकलवाओ, सब कुछ ठीक है। हमारे शिवेंद्र जी नाम है ना, मैं शिवशंकर जी या ऐसे कुछ नाम था, शिवशंकर जी था शायद नाम, शिवशंकर जी, इसको रिमूव कराइए फटाफट जाके, बिल्कुल ठीक है आप भाई। हमारे आर्मी में थे या पुलिस में किसी में थे भाई, तो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मयंक राजपूत जी भाई, आखिर अधिकतर कितने दिन में फ्रैक्चर ठीक हो जाता है? मैंने बता दिया था, जंप वगैरह कितने मंथ में कर सकते हैं? 8 मंथ के बाद, जॉगिंग साइकिलिंग के बाद। सर मसल गेन करने के लिए क्या करूं, पटेला ऑपरेशन हुआ है, 5 मंथ हो गए हैं। साइकिलिंग, स्क्वैट्स, नी बेंडिंग, साइकिलिंग, स्क्वैट्स और सिटअप्स, ये आप कर सकते हो धीरे धीरे, जैसे जैसे आप कर पाते हो, आराम आराम से स्टार्ट करना, धीरे धीरे बढ़ाना उसको फिर, ठीक है। ये आप सारी चीजें कर सकते हो जिसके आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग होंगी, आपका घुटना जो है वो स्ट्रांग होगा। घुटने की स्ट्रेंथ आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करके ही आएगा वो रेगुलर। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी। चलिए अभी एक वीडियो मेरे पास और आया है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि हमारे पास ये रहा वीडियो, इनका देख लेते हैं भाई, लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, वॉक बिल्कुल नॉर्मल, पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल है, रेंज ऑफ मोशन नहीं आया, 70% आ चुका है, बहुत बढ़िया है। चलना तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है भाई, बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप, A1 चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी, बिल्कुल ठीक है, डरना छोड़ दीजिए बस, उनसे डर डरा दीजिए। एक मुलाकात, जंप वगैरह कितने मन से? ब्रो फ्रैक्चर लेग दूसरे लेग से भारी क्यों लगता है, बता दिया। रवीना सोदी जी बोल रहे हैं 2-3 दिन से सूजन नहीं थी, पर अब थोड़ा सा आ गई है, ऑपरेशन हुए 1 मंथ हुआ है, तो अब सूजन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? देखिए सूजन स्वेलिंग हल्की फुल्की आ जाती है, उससे डरना नहीं है, उससे टेंशन नहीं लेनी, स्वेलिंग से कभी भी दिक्कत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वेलिंग तो ऑब्वियसली स्वेलिंग आएगी, और जब तक रिकवरी पूरी तरह से नहीं होगी तब तक वो स्वेलिंग रहेगी, और स्वेलिंग अगर बीच बीच में नहीं आती, अभी आने लगी, पैर लटका के चल रहे हो, थोड़ा ज्यादा चलोगे तब भी आएगी, डरना नहीं है।
आप जब भी चलना स्टार्ट करते हो शूज वगैरह पहन के चलोगे तो थोड़ा स्वेलिंग में भी आराम मिलेगा, शूज और सॉक्स पहन के चलोगे और आपके पैर में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो वो आपके लिए काफी अच्छा है जिसको जो स्टॉकिंग्स वगैरह काम करता है। वर्क स्टार्ट कर दिया है पर बट जहां कट है वहां कभी कभी थोड़ा पेन होता है, हल्का फुल्का पेन से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलते रहना जरूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी भाई। अधिकतर कितने मंथ में? ओके, हमारे रवीना जी के बाद यूसुफ जी बोल रहे हैं, सर मेरे डॉक्टर ने पैर फोल्ड करने को मना किया है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि पैर फोल्ड अभी ना करो। यूसुफ भाई, पैर फोल्ड करने के लिए मना इसलिए कर रहा होगा क्योंकि आपके घुटने के बीच में गैप थोड़ा कम होगा, डॉक्टर को कार्टिलेज घिसने का डर लगता है, ऐसे केसेस में डॉक्टर मना करते हैं, तो मत करना। लव यू भाई, लव यू डू भाई, पंजाबी न्यू सॉन्ग्स भाई, लव यू डू भाई। अशोक जी बोल रहे हैं प्लेट्स बेस्ट है रॉड प्लीज बोला है। अशोक भाई, डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कौन सा है, इसको हमेशा समझो। ये क्वेश्चन मेरे को बार बार पूछा जाता है, मैं बार बार बता चुका हूँ इसका आंसर, जहां प्लेट लग सकती है वहां रॉड नहीं, और जहां रॉड लग सकती है वहां प्लेट नहीं लगती है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे लगाई जाती है। अगर दोनों में से किसी को फिक्सिंग हुई, अगर आप पूछते हो कि एक को प्लेट की फिक्सिंग हुई और एक को रॉड की फिक्सिंग हुई है तो क्या अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली रॉड की फिक्सिंग ज्यादा अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मिड साइड फ्रैक्चर में लगाई जाएगी और मिड फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, रॉड बहुत वेट ले सकती है। लेकिन वहीं अगर किसी को प्रॉक्सिमल टिबिया फ्रैक्चर हुआ है जो घुटने के पास का है, या डिस्टल फीमर हुआ है जो घुटने के पास, जो एंकल के पास का है, या फिर हिप में फ्रैक्चर हुआ है जो घुटने के, जो आपके हिप के पास का फ्रैक्चर हुआ है, ऐसे फ्रैक्चर्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कंपेरेटिवली अगर आपको रॉड लगाई गई है, तो प्लेट थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है रिकवर होने में, क्योंकि वो फ्रैक्चर ही उस टाइप के होते हैं वो, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम लगाती है, ध्यान रखिएगा। राठौर जी, हाय भैया, हाय अरुण राठौर, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? मेरे पैर में लिम्पिंग है, उसका कैसे ठीक करें? देखिए, आपको अगर आपको टाइम हो चुका है, टाइम का मतलब है कि आपको 6 महीना साल भर, अगर आपको 6 महीना हो गया है, अगर आपको लिम्पिंग फिर भी हो रही है, साइकिलिंग करिए, स्क्वैट्स करिए, सिटअप्स करिए, इनसे आपको फायदा होगा। अरुण सार्थक जी बोल रहे हैं, क्या रॉड कभी साथ स्टेयर के साथ भी क्या रॉड के साथ स्टेयर चढ़ना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आप रॉड के साथ भी स्टेयर चढ़ सकते हैं, बिल्कुल चढ़ सकते हैं और चढ़ना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों पैर से चढ़ पाते, बिल्कुल रॉड के साथ दोनों पैर से आराम चढ़ पाते हैं भाई, मैं भी चढ़ रहा था, कई सारे लोग और भी चढ़ रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास अमन जी बोल रहे हैं, मेरा नी फुल हो रहा है, फुल बैंड हो रहा है, दैट इज वेरी गुड अमन भाई, SLR भी करना, स्ट्रेट करना है। शिवशंकर जी, आपका एक्सरे मैंने देख लिया, आपका मैसेज भी देख लिया था। हमारे विष्णु जी कुछ बोल रहे थे, विष्णु जी बोल रहे थे, सर मेरा हड्डी कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है, 6 मंथ हो गए हैं, मेरा डॉक्टर बोल रहे हैं कि 1 या 2 मंथ के अंदर हो जाएगा और कैल्शियम टेबलेट बंद कर दिया है, बोल रहे हैं कैल्शियम टेबलेट की आदत हो गई है बॉडी को, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, ज्यादा कैल्शियम भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने बंद कर दिया, ठीक किया, एक टाइम के बाद कैल्शियम और विटामिन जो है, विटामिन तो ले सकते हो, कैल्शियम कुछ टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए। कैल्शियम से आपको पता है कि और प्रॉब्लम भी होते हैं, हमको स्टोन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आप नेचुरल जो नेचुरल सोर्सेज हैं ऑफ हमारे कैल्शियम है वो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इब्राहिम भाई ने मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया, सारे सर मसल गेन करने के लिए क्या करूं, पटेला ऑपरेशन हुआ है, साइकिलिंग, स्क्वैट, सिटअप्स और SLR विद वेट बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर खड़ा होकर पैर ज्यादा बेंड क्यों नहीं होता, हो रहा है ऐसे में 100 धीरे धीरे करके होगा, बहुत दिनों से चलने की आदत छूट गई भाई, इसलिए नहीं मुड़ रहा है, धीरे धीरे करके मुड़ने लग जाएगा। प्रेशर के साथ चलोगे, पैर आगे बढ़ा के चलोगे तो पक्का मुड़ेगा। अगर आप पैर को अगल बगल में रखते हो, एक पैर को रखा उसके बगल में दूसरे पैर को रखोगे, ऐसे केस में नहीं मुड़ेगा। जब आप पैर को आगे रखोगे, दूसरे पैर को उसके आगे रखोगे, ऐसे केस में मुड़ने लग जाएगा। तो धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो और चलो। गुड नाइट, गुड नाइट अमीर जी, ध्यान रखें अपना, ध्यान रखें। गुड नाइट भाई, गुड नाइट पंजाबी जी। अमन डिलो जी, मेरा नी फुल हो रहा है, फुल बैंड हो रहा है, दैट इज वेरी गुड भाई, सॉरी भाई प्यास लग रही बहुत ज्यादा। हाय ब्रो, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ। एजू प्लस, आप बताओ कैसे हो? सर डॉक्टर ने बोला है वायर नहीं निकालने के लिए 4-5 साल बाद, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वायर है भाई, वायर तो कभी भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। वायर तो वैसे भी कोई कुछ काम नहीं देती है, सपोर्ट तो देती नहीं है, अंदर पड़ी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें आपका बोन टेढ़ा मेढ़ा होने के चांसेस नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी कि टेढ़ा हो जाएगा उसके साथ दिक्कत हो जाएगी, टूटेगा भी नहीं, वो बेंड होती है, मोटी मुड़ जाती है अगर ज्यादा दिक्कत करेगी तो वायर के साथ दिक्कत नहीं है। एजू प्लस भाई, मेरा फ्रैक्चर अभी हील नहीं हुआ है, बट मैंने वॉक स्टार्ट किया है, चल रहा हूँ, बट लिम्पिंग है, क्या चलना गलत कर रहा हूँ बिकॉज हील नहीं हुआ है? देखिए, 6 महीना आपको हो गया है, आप चल रहे हैं, दैट इज गुड, आपको चलना चाहिए, हीलिंग चलने से भी होती है, आप कैसा चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, आपकी मसल स्ट्रांग होंगे तब आपके पैर में स्ट्रेंथ आ पा रहा है, वरना आपको दर्द करता है। अगर आपको दर्द नहीं कर रहा तो आप चल सकते हो। मैंने अभी आज भाई को भी यही बोला था कि आपको डॉक्टर ने, उनके डॉक्टर ने मना करा कि मत चलो, टूट सकता है। रॉड के साथ आप कितने भी वेट के साथ चल सकते हो, रॉड के साथ दिक्कत नहीं होती, प्लेट में थोड़ा सा संभलना पड़ता है क्योंकि साइड से लगाई जाती है प्लेट ना, और बोन नहीं जुड़ा हुआ तो प्रेशर आ गया उसमें तो वो टूट सकती है, प्लेट में ज्यादा चांसेस रहता है टूटने का ऐसे केसेस में, तो भाई इसलिए मना करते हैं, वरना आप चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलने से आपको फायदा ही होगा भाई। सहमत हुआ, हल्का फुल्का गैप अगर बचाए, हड्जोड़ प्लांट और अच्छी डाइट लेके ठीक कर लो उसको। अनिरुद्ध जी, भाई मैं क्लास कब से जा पाऊंगा? आपको कैसे वॉक कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, अगर आप नॉर्मल चलने लगे हैं स्टिक के साथ भी तो आप क्लासेस जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अनिल पावर हैकर भैया, पहला ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला था 8 मंथ, डॉक्टर ने बोला था 8 मंथ में निकालना है, अभी बोल रहा है कि 4-5 ईयर में। डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छा है ना, इन्फेक्शन तो हो गया, घाव तो नहीं है ना बाहर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पावर हैकर सर भी थोड़ा हील होना बाकी है क्या सर? एक्सरे देखो, देखा ही मैंने, हल्का फुल्का हील होना बाकी है। पावर हैकर टेंशन मत ले यार, वो पूरा हील हो चुका है, बोन पूरा अच्छा रिकवर है, उसको रहने दे, अंदर पड़े रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली आपको, वायस है वैसे भी वो। मेरा मतलब था कि फ्रैक्चर वाले लेग से भी स्टेयर चढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल चढ़ सकते हैं आप, देखिए क्या होगा ना, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो आप सही वाले लेग को ही रखोगे, फ्रैक्चर वाले को नहीं रखोगे। लेकिन एक टाइम के बाद जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा, बोन रिकवर हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी स्टेयर चढ़ने की, फिर आप कोई सा ही पैर रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। वॉक स्टार्ट कर दिया है बट कट है वहां, कभी कभी थोड़ा पेन होता है, अनुलो हल्का फुल्का, जहाँ कट है वहां कभी कभी पेन होता है, कट वाली जगह पे हल्का फुल्का पेन है भी, तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हल्के फुल्का पेन तो हमें करता ही है फ्रैक्चर के बाद, उससे डरने की जरूरत नहीं है। 50 दिन बाद का एक्सरे है आपने मुझे भेजा, देख लेते हैं इसको। देखिए फिक्सिंग आपकी नो डाउट अच्छी है, पार्शल वेट बेरिंग स्टार्ट हो सकता था, क्यों नहीं कराया ये मेरे को भी समझ नहीं आता भाई, कराना चाहिए डॉक्टर ने, या अब जब जाओगे शायद तब कराएं, कुछ और रीजन रहा हो, डॉक्टर को दिख रहा हो हमें नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पार्शल वेट बेरिंग इसमें स्टार्ट हो सकता था भाई। ये आपने बताया था ऊपर गैप है, भरा नहीं है, विदाउट स्टिक चल रहा हूं तो रॉड नहीं टूटेगी बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं 1 महीने के खेल बचा है, 6 महीना हो जाएंगे, मेरे बॉडी अलाउ कर रही है विदाउट सपोर्ट चलने के लिए। आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो बिल्कुल चल सकते हैं, डॉक्टर ने मना कराया, देखिए डॉक्टर से ज्यादा हम नहीं जानते हैं, आप डॉक्टर की पहले सुनो, हमसे ज्यादा आप डॉक्टर की सुनो, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू अगर आप मानते हैं तो मैं आपको कहता कि आप चल सकते हो, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, रॉड के साथ हम जल्दी चल सकते हैं, आपको जो गैप है ना इसके कारण डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप रेस्ट मोड में रहोगे ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप हड़जोड़ प्लांट लो, आप डाइट अच्छी लो, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसका ही अगर हम लेटरल व्यू देखते हैं, देखो यहाँ पे गैप दिखता है, जब हम इसको दूसरा व्यू देखते हैं, जब हम लेटरल व्यू देखते हैं तब हमको नजर आता है कि यहाँ देखो आपको गैप जो है ना, वो बोन जो है वो दोनों तरफ नजर आ रहा है, तो इसके इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बोन साइड की तरफ हो, एग्जैक्ट ऊपर की साइड का अगर एक्सरे हुआ होता ना तो और अच्छा हम देख पाते। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके दोनों साइड बोन हो, आपके हाथ में एक्सरेज होंगे या आपके पास, अगर आप और एक्सरे कराओगे ऊपर का अलग से करा लेना ताकि दिख जाए दोनों साइड, अगर रॉड के दोनों साइड बोन है ना फिर तो आप चलो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है हल्का फुल्का तो आप डॉक्टर की बात मानो, मेरी बात से जब बड़ी डॉक्टर की बात है उनको आपको मानना चाहिए। वैसे स्ट्रेंथ है, मेरे से अगर कोई पूछता तो मैं आपको यही बोलता कि स्ट्रेंथ है तो आप चल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना करा है तो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है आपने। ऑल द बेस्ट नितिन भाई, स्टेयर्स भी नहीं चढ़ रहा हूं अभी तक, आप धीरे धीरे चढ़ पाओगे, अभी जल्दबाजी क्यों करनी है, कर पाओगे यार धीरे धीरे सब कुछ, अभी स्टिक क्यों यूज कर रहे हो, कुछ दिनों बाद करना ना, पैर की स्ट्रेंथ तो आने दो। दर्द नहीं कर रहा है भाई, बस नी में स्ट्रेंथ नहीं है ब्रो, थैंक यू भाई जान, ऑल द बेस्ट। दर्द नहीं है, नी में स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सरसाइज करके गेन कर लो। बहुत ज्यादा जला हूं सर, 4 मंथ बहुत चला हूं, जला बेड में वॉशरूम वगैरह कर लेते थे, फिर भी हिम्मत नहीं हारी है, वो तो है ही भाई, सब लोगों ने, जब हम पैर में फ्रैक्चर होता है हम चल नहीं सकते, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन क्या करें यार, ये एक टाइम का दर्द आपने झेला है लेकिन इसका फायदा आपको जरूर होगा। नितिन भाई एक्सरे रीड कैसे करते हैं? जय जय भाई, जब भी आप फ्रैक्चर देखें, जब भी आप एक्सरे देखें, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो मैं भी हमेशा कहता हूं आप लोगों को, मैंने भी अपने डॉक्टर से ही पूछा था और मेरे को भी उन्होंने बताया था, अगर आपको बोन के अंदर ऐसे धब्बा टाइप का नजर आ रहा है, धुआं टाइप का नजर आ रहा है, आपको ऐसे धागे धागे से नजर आ रहे हैं, दैट इज कैलस, कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया इसका मतलब, और अगर आपको वो चीज नहीं दिख रही है इसका मतलब है कैलस फॉर्मेशन नहीं स्टार्ट हुआ। अब देखो क्या होता है, कभी कभी हमें धब्बे नजर आते हैं बहुत हल्के से, तो जब सॉफ्ट कैलस होता है ना वो आपको एक्सरेज में नजर नहीं आता, वो सॉफ्ट कैलस आपको धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, क्योंकि जो रेज है ना, रेज वो बहुत ज्यादा, मतलब जो एक्सरे की रेज होती है वो एकदम आपके मास को, आपके बॉडी को देखो वो अंदर चले जा रही है, तो वो उतना कैलस फॉर्मेशन को नहीं समझ पाती, तो थोड़े दिनों बाद जब वो थोड़ा हार्ड होता है तब वो नजर आने लगता है, उसको समझ के करिए। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बोन फिक्सिंग होने के बाद एक ही जगह पे हो, वो डिस्प्लेस ना हो रहा हो, मतलब पहले एक्सरे में आपको सीधा दिख रहा है, अगले में आपको बाहर निकल गया, तो ऐसे केसेस में रिकवरी नहीं हो पाती, बोन जितना हिलेगा ना उतना आपका रिकवरी स्लो होगा, इसको समझना चाहिए। राधे राधे, शुभ कैसे हो आप, क्या हाल है आपके? सर मेरा एक साइड ही कैलस दिख रहा है, एक साइड दिख रहा है एक साइड नहीं, तो जो साइड नहीं दिख रहा है वो साइड में बनना चाहिए, उसके लिए अच्छी डाइट लीजिए और चलिए, चलने से आपका पैर में जब पूरा प्रेशर आएगा और पूरा मूवमेंट आएगा तो फिर वो आपका बोन जो है वो जो कैलस है वो बन जाएगा, वो बोन जो है वो जुड़ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट है बोन का जुड़ना, और वो धीरे धीरे ही करके होता है, एकदम से नहीं होता किसी का बोन, वेट करिए जुड़ जाएगा, जितना जब बाकी साइड आ गया है तो एक साइड आने में क्या दिक्कत है, वहां भी आ जाएगा, तो डरने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप लोगों के जितने भी मैसेजेस थे मैंने ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस रीड करे हैं, आप में से जितने लोगों ने मुझे मैसेज भेजे थे मैंने सबके मैसेज रीड करके ऑडियो भी सुन लिए, मैसेज भी सुन लिए, होप कि मैंने सारे मैसेज का रिप्लाई आज दिया हो। एक एक्सरे और है,
क्योंकि इनका पता नहीं कब आया था। हाँ ये देखिए इनका दिख रहा होगा आपको, प्लेट लगाई गई है, डबल डबल प्लेट्स लगी हुई हैं। डरने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, बस ये एंकल जाम है जिसको आपको एक्सरसाइज करके खोलना है। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी, थोड़ा अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। भाई क्या क्या करूं मैं अभी समझ नहीं आ रहा है, वॉकर के साथ चलो ना, क्या समझना है, वॉकर के साथ चलो, फुल वेट देके वॉकर के साथ चलते रहो, जितना चलोगे, चलने के बाद जब आप चलने लगोगे, चलोगे थोड़ा दूर जाओगे, दूर जाने के बाद स्टिक को, वॉकर को छोड़ना, कुछ कदम स्टिक से चलना, ऐसे ही तो चलना होता है, और कोई तरीका नहीं है इसको चलने का। एक भाई ने बोला था, आई सीन योर वीडियो, इनका मैसेज था, मेरे बारे में डिस्कस नहीं किया, मैसेज मर्जी है आपकी, 30 डिग्री देखो, ऐसे मैसेज कर देना, मैं क्या बोलूं, आई सीन वीडियो, ओके काइंडली सजेस्ट पर्सनल ऑन व्हाट्सएप। भाई आई एम स्टूडेंट ऑफ बी एस ऑनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 8th सेमेस्टर, ऑल्सो एग्रीकल्चर फार्मर, कब तक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ। देखिए फीमर फ्रैक्चर अगर आपको हुआ है, मुझे नहीं पता आपको फ्रैक्चर कौन सा हुआ है, सीरियसली नहीं पता मेरे को कि आपका फ्रैक्चर कौन सा हुआ है। अगर आपका फ्रैक्चर पटेला फ्रैक्चर हुआ है, आपने बोला कि आप अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कब से शुरू कर सकते हो, बेंडिंग एक्सरसाइज करिए। अगर आपकी बेंडिंग में आप 90 डिग्री से अंदर बेंडिंग ले आते हो, 120-130 डिग्री से बेंडिंग ले आते हो, तो आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हो। 6 महीने के अंदर आपका ये रिमूव हो जाएगा, उसके बाद आप नॉर्मल सारे काम करना चालू कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखिए पटेला फ्रैक्चर में खासकर हमारा बेंडिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप एग्रीकल्चर में बेसिक एक्टिविटीज करते हैं वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो बैठने वाली है वो तभी कर पाएंगे जब आपके पैर में स्ट्रेंथ आएगा। रॉड टू डिस्प्लेस नहीं हो गई है, रॉड डिस्प्लेस नहीं होगी, आपको दिख जाएगा बोन में, एक्सरे में दिख जाएगा। नितिन भाई फ्रैक्चर वाली साइड थोड़ा उठासा लगता है, नहीं वो उठासा इसलिए लगता है, अगर फ्रैक्चर में आपको जब आपका कैलस बनता है ना, तो जो आपका हार्ड कैलस है, जो एक्सटर्नल हार्ड कैलस है बाहर की तरफ का, वो मोटा मोटा नजर आता है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई सलमान, नितिन भाई क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है भाई, मैं वॉकर से चल रहा हूं फुल वेट डालकर, 5 दिन है अभी है, और तो आप वॉकर से चलो ना, वॉकर से फुल वेट के साथ चलो, और ऐसे स्टिक तरफ मत जाओ, कुछ दिनों बाद जाना स्टिक में। रॉड टू डिस्प्लेस नहीं हो गई है, नहीं हुई होगी भाई, कैलस बन रहा है क्या, डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैलस तो अच्छा है, तो वो दिख तो रहा है आपको कैलस, वरुण आपका कैलस तो नजर आ ही रहा है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके बोन में डबल साइडेड कैलस नजर आ रहा है, एक साइड में जब आपका बोन का एक्सरे देखते हैं, मेरे पास कहाँ गया आपका एक्सरे, अभी हमने देखा था, वो जो हमने आपका एक्सरे देखा था अभी थोड़ी पहले, मैसेज ऊपर नीचे हो गया भाई, मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ पे है, मैंने आपका एक्सरे देखा था। चलिए पहले इनको रिप्लाई दे देते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आपको तब से करनी है जब आपके पैर में पूरी स्ट्रेंथ आ जाए, उससे पहले नहीं करनी है। बाकी एग्जाम दो, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं, आप सारे काम बाकी कर सकते हो, बस थोड़ा सा एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज हैं जो आपको बैठ के करनी है या जिसमें, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आपको कुछ टाइम तक रह सकता है। स्क्वैट्स करना, उठक बैठक करना, जिसको सिटअप्स कहते हैं, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, आप वो चीज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इनको ऑडियो में बता देते हैं कि आज आपका जो केस है वो हमने 1 घंटे के बाद आप देखोगे तो आपका डिस्कस किया है, आपका एक्सरे भी दिखाया है, पटेला फ्रैक्चर है आपका, टेंशन मत लीजिए, जरूर ठीक हो जाएंगे आप। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आपको तब से स्टार्ट करनी है जब आपके पैर में और स्ट्रेंथ आ जाए, उसमें हो सकता है 6 महीना, हो सकता है साल भर लगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी। चलिए इनको भेज दिया नितिन भाई। इब्राहिम जी ने वीडियो भेजी हुई है पटेला फ्रैक्चर के साथ, ये देखिए पटेला फ्रैक्चर के साथ बेंडिंग कर रहे हैं और काफी अच्छी बेंडिंग ले आए हैं, बहुत कम बची हुई है बेंडिंग की, तो आराम से हो जाएगी, अपने आप इतनी आ रही है ना बेंडिंग, तो आपने बहुत कर लिया भाई, SLR भी करना। जिनका पटेला फ्रैक्चर है और ठीक हो गए हैं, कॉल करना है, बोलने का कह रहे हैं, तो अभी काफी लोग ठीक हो गए हैं जो लाइव में नहीं आते। कैलस 100% खत्म हो जाता है क्या? कैलस 100% खत्म हो जाता है क्या? 100% खत्म नहीं होता, कैलस फॉर्मेशन देखो अपन बॉडी कैलस बनाती है, वो अपने आप बनेगा, ब्लड से बनेगा ना, आपका जो ब्लड है, जो आपका फ्रैक्चर होता है, तो ब्लड निकला, मैंने आपको उसका पूरा एक फोटो के थ्रू दिखाया था कैसे होता है। देखो जब हमारा फ्रैक्चर होता है ना, इस फोटो को आप समझोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो आपका ब्लड निकला, फ्रैक्चर हुआ, ब्लड जो आपकी वेसल्स थी अंदर की, जो ब्लड वेसल्स थी वो फट गई और आपके ब्लड बाहर की तरफ निकला, जिसको हिमोटमा बोलते हैं, जो बाहर की तरफ भी निकलता है अंदर भी होता है, और यही कैलस बनता है, यही हार्ड होता है। फिर क्या हुआ, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स थी ये दोबारा से बनी, और आपका जो कैलस था, जो आपका ब्लड था, वो जमाना स्टार्ट हो गया। ये जब आपका बनता है तो स्टार्टिंग में ये स्पॉन्जी कैलस होता है, स्पॉन्जी बोन बनी होती है ये, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, हिलने से डिस्ट्रॉय हो जाएगी ये बोन, ऐसी बोन बनती है जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको। तो ये बनी आपकी स्पॉन्जी वाली, अब ये आपको यहाँ पे नजर आया कि आपका जो ये पहले आपका ब्लड निकला था, ये ब्लड आपका अब यहाँ पे बन गया कैलस, आपका हल्का कैलस बन गया। अब ये कैलस जो है यहाँ पे क्या हुआ, बोनी फॉर्मेशन हो गया, हार्ड हो गया कैलस। अब ये कैलस हार्ड हो गया तो ये बाहर की तरफ भी निकला और अंदर की तरफ भी निकला, और वेसल्स भी आपकी बनी है,
तो यहाँ पे आपका थर्ड पोजीशन था जहाँ आपका बोन हार्ड होने लग गया। अब जब ये पूरा हील हो गया, हील होने के बाद ये आपका आया रीमॉडलिंग प्रोसेस में, जब हील हो गया पूरा फिर ये रीमॉडल होगा, रीमॉडल में जो बाहर की तरफ को बंप निकला हुआ है इतना, ये शेपिंग होने स्टार्ट हो जाती है इसमें, फिर एक पूरे शेप बन जाती है बोन की। तो ये प्रोसेस रहता है बोन को हील करने का। अगर ये समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें समझ में आ गई आपको। तो इसको समझिएगा, कैलस खुद में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लड है आपके अंदर का। भाई ऊपर की बोन के बताओ कैलस बन रहा है क्या? वरुण भाई कौन सा बोन था, कौन सा एक्सरे था आपका? वरुण भाई मेरे को ध्यान नहीं है आपका, लेकिन मैंने आपको कमेंट दिया था उसको देख के। वरुण कौन सा एक्सरे था आपका, मेरे को याद नहीं अभी, वरुण को देख लेता भाई मैसेज। लाइक करिए भाई, आप लोगों ने नहीं किया आज लाइक और आप लोग जा चुके हैं लाइव से तो ये अच्छा नहीं। वरुण वरुण ओके, तो देखिये ये लो भाई वरुण, दोबारा बता देता हूँ आपको। ऊपर की बोन में हम दो तरफ देखते हैं, एक वाले एक्सरे में आपको दिख रहा होगा कि कैलस दिख रहा है हल्का हल्का, यहाँ पे हल्के हल्के ऐसे ना जैसे धागे रेशे टाइप के नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि बोन रॉड के दोनों तरफ आपका बोन जो है वो बन चुका है। तो यहाँ अगर देखें तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कैलस है, यहाँ पे भी कैलस है। कैलस फॉर्मेशन एक जगह पे नहीं दिखा जाता, हमेशा दिखा जाता है हर जगह पे। यहाँ पे भी कैलस है, यहाँ पे भी कैलस है, आपके बोन में हर जगह कैलस है। एक यहाँ पे कम कैलस नजर आ रहा है जो कि हो जाएगा ठीक। अगर ये बाहर की तरफ है बोन, यहाँ बन चुका है जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक हो जाएगा। तो एक नया एक्सरे कराएंगे आप जो कि अपर साइड का ही होगा, थोड़ा सा वो करके, थोड़ा सा जूम करके, ताकि समझ में आए। हार्ड कैलस कितने दिन में बनता है? देखो ये जो है ना, ये हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का बहुत जल्दी बनता है, किसी का थोड़ा देर में बनता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी बन जाएगा, सब किसी का टाइम लगता है। कैलस सॉफ्ट से हार्ड वैसे 2-2.5 महीने का टाइम नॉर्मली लगता है, 2-2.5 महीने सॉफ्ट से हार्ड में जाने में। टिबिया फ्रैक्चर में प्लेट लगा है, पैर हिला सकते हैं? बिल्कुल, प्लेट फिक्सिंग कर दिए ना, प्लेट फिक्स कर दिया तो बोन कहीं हिलेगा नहीं। देखो बोन ऐसे जुड़ता है, अगर वो हिल जाएगा तो आपका जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, वो बोन जो कैलस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी जगह पे है और फिक्सिंग साइड से दे रखी प्लेट की, तो फिर कहाँ हिलेगा वो, कहीं हिलना डुलना ही नहीं उसको, समझिए। भाई टीबिया फ्रैक्चर में प्लेट लगी है। मोनू जी बोल रहे हैं हार्ड कैलस कितने दिन बाद बनता है, मैंने बता दिया। सुबी जी जैसे स्किन कट लग जाने पर आपकी हील होती है, वैसे ही बोन ही, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपकी स्किन कट हो जाती है तो उसके ऊपर से पहले आपको लगता है मोटा मोटा सर वो ब्लैक ब्लैक बनता है, फिर वो हील होता है, वैसे ही आपका बोन भी हील होता है। सर ऊपर वाला मैसेज रीड करिए, मैं पढ़ लेता हूँ। नितिन भाई आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मैं उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। बॉयज को मैं ज्यादातर उसमें ऐड करता हूँ, जो फिर लोग बोलेंगे कि आप गर्ल्स को मोटिवेट नहीं करते। भाई बहुत सारे लोग मोटिवेट हो चुके हैं, गर्ल्स इतनी अच्छी रिकवरी कर चुकी हैं कि मैं क्या बताऊं। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स रिकवरी, लेकिन वो लोग नहीं दिखाना चाहते मेरे वीडियोस, तो वो नहीं दिखाते हैं, वो रिकवर हो चुके हैं। और कई सारे लोग दिखाते हैं, उनकी वीडियो में शेयर जरूर करता हूं। एंकल के फ्रैक्चर बहुत ज्यादा देखे हैं, देखे गए हैं ऐसे में जब पैर मुड़ जाता है वो वाले। रॉड सिमर सर आप कितने महीने में स्टिक छोड़ दी थी? मैंने यार पता है मेरे को स्टिक ली होगी, मेरे को लगता है 10-15 दिन, फिर मैं स्टिक लेके चलता था, यूज नहीं करता था भाई। और मेरे को लगता है मेरे को मैंने 85 डेज में मैंने नॉर्मल चलने लग गया था, क्योंकि मेरे को स्टिचेज रिमूव हुए थे वो वाले 85 डेज में मेरे स्टिचेज रिमूव हुए थे ना, तो 90 डेज के अंदर अंदर मैंने स्टिक भी छोड़ दिया था यूज करना। ऊपर वाला मैसेज नहीं पड़ा आपका मैसेज है सर, फिजियोथेरेपी वाले ने बोला है कि हड्डी फूल नहीं जुड़ेगा तो फुल बैंड नहीं होगा, डॉक्टर बोल रहे हैं हील हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए आपका बोन चलने से भी हील होता है, नो डाउट। आपने बोला है फिजियोथेरेपी वाले ने बोला है कि हड्डी फुल नहीं जुड़ेगा तो फुल बैंड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेंडिंग तो आपको अलग जगह से होनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बोन बिल्कुल ठीक हो गया है आपका, बोन कनेक्टेड हो चुका है, आपका पैर मुड़ेगा, उसके लिए आपको पैर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, मसल की स्ट्रेंथ आपकी एक्सरसाइज बढ़ेगी। टिबिया फ्रैक्चर स्लीप के टाइम पर पैर आगे पीछे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, बस उस पैर को दबाना मत। जैसे हम एक तरफ को सोते हैं ना, उस पैर को दबाएंगे तो सुबह आपको दिक्कत पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। स्वेलिंग होती है तो एलिवेट करना है, वरना कोई एलिवेट करने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप नॉर्मल कैसे भी चाहें सो सकते हैं। भाई 8 महीने का एक्सरे है, आपने मुझे एक एक्सरे भेजा हुआ है जो कि 8 महीने का है, इसको भी फटाफट देखने की कोशिश करते हैं। नितिन भाई लिंक भेजना भाई, मैं बना के भेज दूंगा भाई, प्लीज कॉल मत करना इसके बाद, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम है पता है आप लोगों को। एक एक्सरे बहुत अच्छी फिक्सिंग है, बहुत बढ़िया फिक्सिंग आपकी हो चुकी है, बोन के दोनों तरफ रॉड के दोनों तरफ बोन नजर आ रहा है। हिप में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है क्योंकि आपका बोन ऊपर की तरफ निकला हुआ है, फिक्सिंग काफी अच्छा है। ये किसका एक्सरे है? 8 महीने का एक्सरे कैसा है बता दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से आपका फिक्स हो चुका है, आपका टिबिया फिबुला भी और आपका फीमर भी, दोनों चीजें फिक्स हो चुकी है बहुत अच्छी। तो अब 6 महीने के अंदर आप रिमूव कर सकते हैं। ऊपर वाला मैसेज है सर, बहुत सारा छोड़ दिए मैंने, बहुत सारे मैसेज छोड़ दिए सर। डॉक्टर ने कहा है पैर फोल्ड करना बोला है, और बोला है कि ने कल कहा कि सर पैर फोल्ड करना बोला है, और बोला है कि 60 दिन के बाद हल्का सा पैर रखो। डॉक्टर ने आपको हल्का सा पैर रख के चलने के बोला है, वैसे ही चलिए, डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलिएगा भाई प्लीज।
डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलेगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जय श्री राम भैया, जय श्री राम सुबिना जी। रॉड डिस्प्लेस तो नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी रॉड डिस्प्लेस, घर पर चल रहा हूँ वॉकर के साथ। मैंने सारे मैसेज डिलीट करे, मैं सब लोगों का देख रहा हूँ कि एक मंथ में नहीं चलाया तो परेशान हो रहे हैं। और पांच मंथ 20 दिन बाद पार्शल वेट स्टार्ट किया था, मेरा ऊपर का टाइम गुजरा है वो समझो भाइयों। बिल्कुल सही बात है यार, हर किसी का टाइम की रिकवरी अलग अलग टाइम पे होती है। जब किसी को ओपन फ्रैक्चर होता है उसमें और टिपिकल फ्रैक्चर होता है भाई। और इतना लोग भाई देखो, इतना परेशान आप लोग 1-1.5 महीने में हो जा रहे हो। बिल्कुल मत डरो भाई, बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ यहाँ सहा है आप लोगों के साथ, वो आप लोगों के बीच है और रिकवरी हो रही है उनकी, प्लीज समझिए इस बात को। शुक्रिया भाई इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। वरुण जी लाइक जरूर करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बी पॉजिटिव, अपना ध्यान रखिए। कोई भी डाउट होता है हम लोग रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, हम लोग बात फिर कर लेंगे और आपकी बात को क्लियर कर लेंगे। कोशिश करूंगा कल लाइव हूँ, नहीं आ पाया तो उसके लिए अभी से सॉरी बोल रहा हूँ। कल सैटरडे है, एक दिन तो घर वालों के लिए भी देना पड़ता है, तो कल भी छुट्टी है ना, इसलिए थोड़ा बहुत संडे को तुम जरूर आएंगे, बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बी पॉजिटिव, बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी। डॉक्टर की बात जरूर सुने, डॉक्टर की बात ही सुने, जो लोग नेगेटिविटी देते हैं उनसे दूर रहिए।